फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. हाँ सो एंड डियर व्यूअर्स, टुडे वी आर हियर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर क्वालिफाइंग बाक. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो टुडे वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट दिस इंटरव्यू प्रोसेस एंड I will introduce one by one. So on the screen we have Mr. Pradeep Kumar Singh, who is our expert. Good evening, Pradeep. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. So again we have Rakesh Kumar Gazavie. We have Good evening, Mohan sir. Kumar. Good evening. We have Hasan Raza. Good evening, sir. Okay, so let's start the discussions. So, मैं चाहूंगा कि मिस्टर प्रदीप कुमार सिंह आप सबसे पहले, बिकॉज आपके सुनने वाले बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं. सो मैं चाहूंगा कि प्रदीप से आप वन बाय वन सभी स्टूडेंट से आप अपने आप को इस डिस्कशन को आगे लेकर के चले. ओके, थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सभी को बहुत सारी बधाइयाँ. और एज ए टीचर हम लोग का यही मेन मोटिव होता है कि बच्चे ऐसे सक्सेस को अचीव करें जो कि अगर देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड में ये सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है जिसको आपने क्वालिफाई किया है. और क्वालिफाई करने के बाद अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. ठीक है, ये नेचुरल है कि हाँ भाई हमने एक अभी तक हम बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे फेलियर देखे. जैसे कि हमें ट्वेल्थ में जेई को जेई नहीं क्वालिफाई कर पाए तो उसका एक मलाल था, उसकी एक कसस थी कि हाँ यार नहीं कर पाए, हम उस लेवल के नहीं है. फिर बीटेक करने के बाद से हम लोग ये सपना था कि हम क्या गेट भी कुछ क्वालिफाई कर पाएंगे क्या. तो फिर गेट भी क्वालिफाई किए. हो सकता है कि भाई मार्क्स अच्छे ना आ पाए हों. मोहन, आर यू कम्फर्टेबल इन हिंदी? Yes, sir. Do you know Hindi? I can understand. Yeah, yeah. Yes, sir. I can understand little. Okay, little bit. So what I'm saying actually, ki the main problem is that ki hum log zyada problem mein rahiye. Hum log zyada ye sochte hain ki bhai humne BTech to kar liya, ab hume kya karna chahiye? Gate qualify nahi ho paya. Theek hai. To aage kya karna chahiye? To jaisa ki Rakesh tha, Rakesh second attempt mein diya. Yes, कि उसने पहले तैयारी किया, फिर अच्छा नहीं कर पाया, फाइनल ईयर में था उस समय. बट हाँ, उसके अंदर थी कुछ ना कुछ तो खास बात थी. तभी उसने दोबारा जो मेरे कॉल किया, बोला कि सर हम कुछ चाहते हैं दोबारा प्रिपरेशन करना, क्या किया जाए, कैसे कुछ गाइडेंस दीजिए. तो अभी आगे की जर्नी राकेश खुद बताएंगे कि क्या कैसे किया, कैसे. देखियो राकेश, बताना क्या है कि हमने कैसे चीजों को कन्वर्ट किया. ठीक है, जब फेल्योर देखा उस समय क्या माइंडसेट था और अभी क्या माइंडसेट है और ड्यूरिंग जर्नी, क्योंकि ये सक्सेस जो भी है, जो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई. yes, और लोग के लिए हो सकता है छोटा हो या बड़ा हो, दैट डजंट मैटर. बट हाँ, हम हर एक सक्सेस को हमें एंजॉय करना चाहिए. और हम जहाँ से आए हैं उसके लिए जो अभी अचीव किए हैं वो हमारे लिए बहुत ही एक ड्रीम के जैसा है. तो जर्नी हमें पूरी इंटायर EII टीम आपको आपके सक्सेस को अभी फिलहाल तो हम लोग बहुत ही हार्टली हम लोग चीयर्स अप करते हैं सभी के लिए. सभी के लिए थैंक यू सर. थैंक यू सर और संदीप है और जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं इनसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है डेफिनेटली. और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं एज अ टीचर से या मेंटोर से तो डेफिनेटली उनको एक न कहीं एक लास्ट में सक्सेस मिली जाती है. तो हो सकता है कि किसी को जल्दी किसी को लेट, वेरी डिफरेंट पार्ट. बट हाँ, अगर आप लगे रहे हो और डेडिकेशन है आपके अंदर. बहुत बार ऐसा ख्याल दिमाग में आते हैं हमारे कि वैकेंसीज कम है या कुछ भी है, ऐसा है. ठीक है, दैट इज डिफरेंट मैटर. बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो वैकेंसीज हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें हम क्यों ना मेरा नाम आए. अगर 10 की ही रिक्वायरमेंट है, 10 की वैकेंसीज है, तो 10 में हम क्यों नहीं हो सकते हैं. तो राकेश, आप ये बताएंगे कि आप प्राइवेट कॉलेज से थे मेरे ख्याल से ना? यस सर, यस सर. तो प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे कि सारे स्टूडेंट, सारे जितने भी फेसेस हैं, पहले तो अपनी एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे दें.
हाँ, और एक एक चीज और कि प्राइवेट कॉलेज से होकर के और ये सोच पाना कि नहीं हम बार का रिटर्न क्वालिफाई करेंगे और फिर बार का इंटरव्यू भी फेस करेंगे, तो ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आया, ये सब सारी चीजें आपको बतानी है ताकि एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा भी एक चीज को, और ऐसा भी नहीं बहुत फेमस प्राइवेट कॉलेज, एक नॉर्मल मेरे ख्याल से नॉर्मल ही कॉलेज होगा, और शायद आप अपने शायद अपने कॉलेज से आप पहली बार होंगे जो बीआरसी का इंटरव्यू केमिकल इंजीनियरिंग में या पूरे ओवरऑल कॉलेज में क्वालिफाई किए होंगे, maybe sir, हाँ जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और अच्छा, एक सबसे यूनिक बात यह है कि अभी तक मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो फाइनल ईयर में ही बीआरसी क्वालिफाई किया हो, फाइनल ईयर में ही जैसे अपियरिंग है और उसने बीआरसी क्वालिफाई कर लिया जो मेरे नजर में हो, मेरे कॉन्टेक्ट में हो। लेकिन हाँ, एक ऐसा लड़का है जो मोहन मोहन, आई एम वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू दैट यू हैड क्वालिफाइड द द बीआरसी इंटरव्यू एग्जामिनेशन ड्यूरिंग योर फाइनल ईयर, है ना। And you should also share your journey in final year, what mindset you have taken, what mindset you had during your preparation, and how you have prepared, and that will be inspiration, that will be a very informative for the students who are appearing in the final year, how can they prepare for the BRC interview, and they have also great opportunities to qualify in the BRC interview examination now. And the same story is also with Sandeep Tomar. So I had already conversation, बहुत ही long conversation हुआ है संदीप के साथ, ठीक है, preparation कैसे start करना है, क्या करना है, तो सब सारी चीजें हम सुनेंगे one by one. तो first हम start करते हैं पहले राकेश से। राकेश, yes, किस college से हैं आप पहले ये बताइए, ठीक है, और किस year में pass out हुए, ये सब चीजें। Yes sir. So first of all, I am from Priyadarshini Institute of Engineering and Technology, which is in Nagpur, and I 2021 pass out to sir. अच्छा, chemical engineering. Yes sir. देखा जाए, अच्छा, नागपुर में मैंने एक कॉलेज का नाम सुना था, LIT नागपुर। LIT, exactly. सर, जिसमें तुषार। हाँ, प्रियदर्शनी मैंने नहीं सुना था, बट मैंने आज अब प्रियदर्शनी भी याद रहेगा दिमाग में। Yeah. Well, just yes, because of you only. Yes sir. चलो अभी बताओ क्या कैसे आपने चीजों को चेंज किया, कैसे स्टार्ट किया। यस सर, सो एक्चुअली जैसा 12th से अगर मेरा जर्नी स्टार्ट किया जाए तो मैं सोचता हूँ कि 12th में, मतलब पहले मैं मीडियोकर स्टूडेंट ही था, जैसे स्कूल लाइफ में, स्कूल में अप टू 10th अगर बोलेंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट, बट आफ्टर 10th ऐसा उतना गाइडेंस या फिर लैक ऑफ नॉलेज था बोल सकते हैं कुछ, जो उतना मीन्स नॉलेज नहीं था कि हमें एंट्रेंस एग्जाम जो होती है जैसा JEE, उसमें हमें ज्यादा एक्सेल करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बोर्ड्स। सो मैं 12th में तो हम बोर्ड्स में ही फोकस करते रहा मैं, कि मतलब बोर्ड्स में अच्छा करना है, फिर JEE तो साइड बाय साइड होते रहेगा, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बट बाद में जैसा लास्ट 12th में 2-3 months बचा था, तो फिर तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ, JEE है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो जो कॉलेजेस लगना है जैसा IITs, NITs, ये सब चीज के लिए। बट फिर एक बार JEE दे दी और उसमें रैंक मींस पता चल गया, कि देने के बाद ही समझ जाता है ना सर कि हमारा अच्छा नहीं हुआ है। सो उसके बाद हाँ, फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन, तो बोर्ड्स के लिए अच्छा डिस्क्रिप्टिव जो कुछ प्रिपरेशन था तब अच्छा था, बोर्ड्स का एग्जाम देकर उसका मैं परसेंटाइल भी थोड़ा ठीक आ गया था, अच्छा आ गया था। बट फिर उसके बाद हमारा एक महाराष्ट्र का एंट्रेंस होता है विच इज कॉल्ड MHCET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए वैलिड होता है। सो इसमें हार्डली 1 month बचा था, 1 and 1.5 months। सो फिर दिमाग में आया कि कुछ तो मतलब अच्छा करना है, अच्छे जगह पर जाना है, तो कम से कम अभी ये चीज के लिए पढ़ते हैं MHCET के लिए। सो MHCET के लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो फिर थोड़ा धीरे धीरे सीनियर से पूछना स्टार्ट किया कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, फिर उसका क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट किए। मीन्स 1 month में टोटली 110% 120% उसी में ही डाल दिया कि MHCET में अच्छा लाना है। फिर उसके बाद वो CET एग्जाम दे दिया, फिर सोचने ऐसा लग गया कि अभी कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये तो कन्फर्म था कि इंजीनियरिंग करनी है। सो अब इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करना है, ये मीन्स एक टास्क है हमारे अपने आप के लिए, हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं धीरे धीरे ऐसा सबसे जो भी सीनियर थे मैं ऐसा पहले से क्यूरियस था कि मैं पूछते रहता था कि सर मींस भैया ये वो, जो अगर वो सिविल कर रहे तो सिविल में क्या होता है, मैकेनिकल कर रहे तो मैकेनिकल में क्या होता है।
सो ये सब ब्रांचेस में थोड़ा आइडिया लगने लगा कि सिविल में कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो कुछ होता है, फिर उस पे थोड़े सब्जेक्ट देखने, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। देन मैकेनिकल में भी कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं आया, एंड कोडिंग का तो वो पहले से ही सर के ऊपर से जाता था, तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। बट केमिकल में एक मेरे भैया थे, महेश भैया, वो ही हैज डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है, फिर थोड़े सब्जेक्ट। सो उसके थोड़ा डिटेल में मैं देखने लगा कि हाँ ये चीज होता है, फिर केमिकल इंजीनियर और केमिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा हमें हाई स्केल पर वर्क करना होता है, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ऐसा लगा, यूनिट ऑपरेशंस के बारे में पता चला। तो ऐसा बाय इंटरेस्ट और अंदर से आने लगा कि हाँ केमिकल इंजीनियरिंग थोड़ा फैसिनेटिंग लगा। सो ऐसा था कि केमिकल इंजीनियरिंग करना है आफ्टर चलो, 12th। पहला मतलब बहुत कम ऐसे लड़के मिलते हैं जो खुद चूज करते हैं यस सर, एग्जैक्टली। हम केमिकल मैंने तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा है कि हमें JEE दे दिया है, अब JEE में कुछ मार्क्स आए हैं, तो वो बेसिस पर हमें इंजीनियरिंग। कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, सब सब स्टूडेंट्स यही देखते हैं। बट हमें, अकॉर्डिंग टू मी, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हमें थ्रू आउट द लाइफ हमें वो फील्ड में वर्क करना है। तो हमारा अगर इंटरेस्ट होगा तो हम वो फील्ड में अच्छे से वर्क कर पाएंगे और हमारा मन लगा रहेगा। वरना हमें ऐसा भी केसेस होते हैं कि हमने ये ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, बट आगे जाकर ऐसा लग रहा है यार ये तो पढ़ना ही नहीं था, कुछ कहाँ पर आ गए, फिर हम स्विच करते एकदम स्ट्रीम। सो मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जहां जाएंगे वो विथ इंटरेस्ट जाएंगे, भले ही थोड़ा। जैसा फिर अभी एंट्रेंस MSCET का रिजल्ट आया, तो उसमें पता लगा कि उसमें जो मीन्स कट ऑफ होता है ना, LIT कॉलेज एंड प्रियदर्शन, ये दो मेन कॉलेजेस है इन नागपुर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, और एक जो VNIT NIT है उससे तो वो JEE थ्रू होता था, JEE पहले ही खराब हो चुका था, तो वो तो ऑप्शन कट हो गया था। सो फिर मतलब LIT में फॉर्म फिल किया था, ठीक है, फर्स्ट सेम में बस मैं LIT डाला था, ऐसा लगता था कि LIT डाले तो कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगा। बट फर्स्ट राउंड में और उसके नीचे नीचे थोड़ा डिफरेंट कॉलेजेस भी डाले थे, तो बाहर का कॉलेज लगा था, पुणे का। तब ऐसा था कि मीन्स ऐसा नागपुर में रहना है, तो फिर सेकेंड राउंड के लिए ट्राई करते हैं। तो सेकेंड राउंड के लिए फिर प्रियदर्शनी, पता चला कि हाँ प्रियदर्शनी में भी केमिकल इंजीनियरिंग है, तो प्रियदर्शनी सेकेंड राउंड में फिर इजीली लग गया था उतने मार्क्स पर। बट LIT पॉसिबल ही नहीं था उतने मार्क्स पर लगना, तो फिर सेकेंड राउंड में अच्छा, सर वो फ्रीज कर दिया। देन फिर मैं आपको बताया था कि जैसे महेश भैया जो IIT बॉम्बे से, उन्होंने MTech किया है, तो उन्होंने मुझे गेट के बारे में भी थोड़ा हिंट दिया था, मीन्स ब्रीफ आइडिया बता दिया था, ऐसा ऐसा होता है आपका, कोई बात नहीं, JEE में अच्छा नहीं हो पाए, आप IIT NIT में नहीं जा पाए, तो आप आगे इंजीनियरिंग के बाद अच्छा कर सकते हो। तो फिर वो एक गाइडेंस था, तो उसके बेसिस पर मैं फर्स्ट डे सर, मैं मेरे सिस्टर के साथ फर्स्ट डे मैं अपने HOD सर से मिलने गया, कि सर को मैं स्ट्रेट अवे मैं सर बोला सर कि मुझे गेट एग्जाम करना है और कुछ भी कर उसमें अच्छा करना है। तो सर भी हमारे मतलब ही वॉज समीर देशमुख सर, हमारे HOD सर थे, उन्होंने भी बहुत एनकरेज किया और उन्होंने बताया कि कैसे गाइड मतलब कैसा फॉलो करा जाए। बट फर्स्ट ईयर में सर हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का उतना कोर सब्जेक्ट्स होता नहीं है, तो फर्स्ट ईयर तो थोड़ा ऐसा लीनियंट निकला। बट सेकेंड ईयर में जैसा मैकेनिकल ऑपरेशन आया, प्रोसेस कैलकुलेशन आया, तो फिर लगा हाँ ये कोर सब्जेक्ट इनका बुक पढ़ा जाए। फिर मतलब सीनियर वगैरह से बात करते हुए, जैसा VNIT के भी थे, तो उसमें मेरे कुछ बैचमेट्स थे, जैसा 12th के बैचमेट्स, 10th के, तो उनसे मैं पूछते रहता था कि आपके जो सीनियर आए हैं उनका वो मतलब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, वो कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही पता चला कि जो टॉपर्स आते हैं वो मोस्टली EII से आते हैं, और फिर EII का मैं बहुत कुछ सर्च करता था, मींस मैं ऑलमोस्ट सर 2 साल 2 ईयर में कोचिंग सर्च करते रहा, क्योंकि 12th में ऐसी चीज हो गया था कि 12th में मैं जो कोचिंग ज्वाइन किया था उसमें ओनली बोर्ड्स का वो फोकस करते थे, बट हमारा एंट्रेंस एग्जाम का उतना फोकस नहीं किया गया। मम्मी प्लीज पानी दे देना। वो एंट्रेंस एग्जाम फोकस नहीं किया गया, और पता चल गया था कि अगर कुछ आगे गेट के बाद करना है तो हमें गेट का एंट्रेंस अच्छे से करना होगा। तो मैं फिर वो सर्च करने लगा, देन फिर ये आया, फिर प्रदीप सर का वीडियो बीच में सेकेंड ईयर में ही मैं देखा था, तो उन्होंने एक मीन्स जो पेपर होता है ना, जैसा हमारा पेपर हो गया, देन उसके बाद जो डिस्कशन होता है, तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग सर वो डिस्कशन आपका देखा था, बट आपने उसमें थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि अच्छा EII का नाम है, बट सर का मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझा नहीं था कि हाँ मीन्स ये कोचिंग कौन से बेसिस पर कैसा मतलब टॉपर्स वगैरह आते हैं, पर सेकेंड ईयर में उतना समझा नहीं। देन थर्ड ईयर आया, एंड देन फिर लॉकडाउन का फेज आया, तो लॉकडाउन का जैसा इन मार्च जैसा लॉकडाउन आया था 23rd, और आई गेस 22nd को लॉकडाउन लगा, एंड 31st मार्च को एग्जैक्टली मुझे याद है कि प्रदीप सर का EII से वीडियो यूट्यूब पर आया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑफलाइन क्लासेस। वो ज्वाइन किया, देन फिर मैं घर में बताया कि हमें करना है जैसा गेट एग्जाम प्रिपरेशन, और मेरे घर में भी मीन्स सब सपोर्टिव थे,
मतलब मम्मी एंड सिस्टर उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, माय ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सो एवरीवन इन माय फैमिली वाज सपोर्टिव, सो करा जाए। देन मैं फिर प्रदीप सर का वही मींस वीडियो यूट्यूब पर सर्च करते रहा, मींस पहले 5 या 6 एक हफ्ता बचा हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस से, तो मैं सर्च करता रहा, फिर समझा कि मतलब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट समझाना चालू किया, मैं बस 15 to 20% सर केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज लेते हुए आपका ज्वाइन किया था क्लास, बट फिर जैसे जैसे मैं आपका लेक्चर्स करता रहा तो लिटरली स्पीकिंग आफ्टर एवरी लेक्चर, मतलब हर एक लेक्चर के बाद मैं ऐसा स्टन हो जाता था कि मतलब क्या सीख लिए, मींस ऐसा लगता था कि वाह मतलब ये सही में ये केमिकल इंजीनियरिंग। और मैं सर को फिर, बट फर्स्ट ईयर में उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था और हेजिटेशन रहता था कि हम प्राइवेट कॉलेज से है तो उतना लेवल का कंसेप्ट भी नहीं है तो हम क्या बात करेंगे, और ग्रुप में भी उतना इंटरेक्शन नहीं था। और वो फाइनल ईयर में हम मींस प्रिपेयर करते हुए फिर गेट एग्जाम आ गया, तो फिर गेट एग्जाम, बट वो ईयर में मैं जैसा शॉर्ट नोट्स एंड ये सब चीजें जो पता थी वो सब करते गया, और जब क्लासेस करता था तो प्रियांश सर एंड प्रदीप सर इन दोनों का जब क्लास करके सही में 5 मिनट तो मैं ऐसा रहता था कि वाह कि क्या सीख लिया है, तो वो सब लेते हुए फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मींस फर्स्ट ईयर में, बट फिर गेट एग्जाम देने के बाद उतना अच्छे से हो नहीं पाया था, सो वो उतना अच्छा रैंक नहीं आया, तो फिर देन मैं तुरंत रिजल्ट के बाद प्रदीप सर को कॉल किया, और मैं फिर मन से ये चीज निकाल दिया था कि हम हेजिटेट क्यों करें, मतलब हम अगर कॉन्फिडेंट है और हमें आगे करना ही है कुछ बड़ा चीज तो हम मींस इंटरेक्ट कर उनसे गाइडेंस लेकर, प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब हर किसी को पता है कि करना क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टेस्ट सीरीज देना है, बट अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है कि कौन से पॉइंट पर आपको क्या करना है तो फिर वो आपका आगे पीछे हो जाएगा और वो प्रॉपर मैचिंग नहीं होगा और आपका फिर रैंक में बहुत फर्क आ जाएगा। तो फिर आफ्टर दैट मैं तुरंत मैं सर से कांटेक्ट किया, और फिर मींस फोन पर पहली बात में गेट एग्जाम देने के बाद सर से बात किया था, प्रदीप सर से, और मैं ऐसा रियलाइज कर रहा था कि अगर ये मैं विदिन वो पहले ईयर में कर चुका रहता बात इंटरेक्शन तो हो सकता था वही ईयर में सक्सेसफुल हो जाते अच्छे से। तो फिर सेकेंड ईयर में देन फिर सर से बात किया, उन्हें ऐसा बताया कि कोप्स के भी राउंड खुल गए थे सो IITs वगैरह लग रहा है, तो फिर सर ने पूछा कि आप मतलब कौन से कितने एज के हो, अभी कौन से ईयर के पास आउट हो, तो 2021 पास आउट। तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक ही चीज सजेस्ट किया था कि एक साल और दीजिए और देखिए मीन्स अच्छा आ जाएगा। सो देन आफ्टर दैट गेट के एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद मैं इन एग्जैक्टली 15th मई को याद है कि मैं अगेन याया कोचिंग ज्वाइन किया था, और एवरी जैसा ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ईयर में जो कोचिंग किया था तो उससे सेकेंड ईयर में जब कोचिंग करते तो एवरी टाइम ऐसा लगता था कि न्यू चीज और नया चीज, और ये टाइम तो सर ने हीट ट्रांसफर अलग ही लेवल, लास्ट टाइम तो अलग लेवल पर पढ़ाया था बट ये साल कुछ और टॉपिक्स भी ऐड किए थे जैसे कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक और बहुत कुछ, जैसा सर मैं ये बात नोटिस कर रहा था कि हमारा BRC के पॉइंट ऑफ व्यू से सर जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो डिलीवर कर रहे थे और वो सबसे बेस्ट चीज था। फिर उतने में हमारा फिर BRC का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, फर्स्ट BRC के एग्जाम जो मैं लास्ट टाइम दिया था, तो वो एग्जाम के लिए फिर बट मतलब हीट ट्रांसफर एंड PDC स्टार्ट था, तो उसमें उसके बीच में हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आया BRC, तो ऐसा लगा कि जो हमारा वीडियोस था, वीडियोस देखने का लाइव लेक्चर्स जो थे उसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गया था, बट फिर मैं उसमें ज्यादा फोकस कर रहा था कि क्वेश्चन सॉल्विंग कम टाइम में ज्यादा स्पीड एक्यूरेसी ये सब चीजों में ज्यादा फोकस करके फिर एग्जाम उसका 1 month 2 month पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मींस प्रिपरेशन किया। देन वो भी प्रदीप सर से पूछ कर सब कुछ एग्जीक्यूट कर कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, और यूट्यूब पर जो कुछ वीडियोज है आप उसकी बहुत हेल्प ले सकते हैं। हम क्या करते कि एक बार जैसा लेक्चर देख लिया मींस जो कुछ गाइडेंस है बट वो चीजें हम भूल जाते हैं थोड़े देर बाद, हम जब प्रिपेयर करते रहते हैं ना तो फिर हमें समझता है कि हाँ यार ये पॉइंट पर ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमें अभी करनी चाहिए, सो वो पॉइंट पर हम मतलब एग्जीक्यूट करते रहे। और फर्स्ट एग्जाम में मेरा मींस क्लियर हो गया था, वो एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था इंटरव्यू के लिए, फिर मैं तुरंत फिर सर से बात किया मैसेज वगैरह कर और उनसे बोला था सर कि ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है ड्यू टू कोविड, वैसे भी कॉलेज का इंटरव्यू मींस कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट हो नहीं पाया था वो टाइम पे, इतना मतलब कोविड हाई लेवल पीक पर था, सो वो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था और वो भी BRC में, सो BRC में इंटरव्यू था। देन मैं सर को बताया सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो क्या होगा कैसे होगा, तो सर ने वही कॉन्फिडेंस दिया था कि कुछ नहीं होगा, बस तुम फ्री जाओ, तुम्हें वहां पे डिस्कस करना है जो तुम्हें पता है कंसेप्ट आता है वो बस बोल के तुमको उनसे डिस्कस करना है। तो मैं वैसे ही गया बट थोड़ा फिर भी वो फर्स्ट टाइम का थोड़ा हेजिटेशन बोलो या नर्वसनेस था, तो थोड़ा बहुत वो
थोड़ा सा बिगड़ गया था हल्का, बट वो मतलब ठीक ही गया था, ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा गया, एवरेज गया था। तो अराउंड वो 1 आवर कुछ चला था लास्ट टाइम, मीन्स लास्ट टाइम। देन फिर दिस टाइम उसका फिर मैं ऐसा लग रहा था कि हो जाए, मतलब मन में रहता है ना ऐसा क्यूरियोसिटी हमारा, हो जाए तो अच्छा हो जाएगा यही साल 2021 में। सो वो रिजल्ट के लिए, तो इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू एंड रिजल्ट के बीच का जो गैप होता है उसमें मीन्स प्रिपरेशन उतना कुछ हो नहीं पाता है, पर फिर भी मैं वो लेक्चर जो छूटे हुए थे उन्हें मैं कवर करता था, प्रदीप सर से पूछता था कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और कौन सा मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, अभी विच सब्जेक्ट, अभी जैसा थोड़े सब्जेक्ट छूटे तो सर ने सजेस्ट किया था कि छोटे सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए, तो छोटे सब्जेक्ट कंप्लीट कर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि जैसा एमओ हो गया, पीसी यानी एक सब्जेक्ट कंप्लीटेड, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होता है, क्योंकि अगर एचटी करने जाएंगे तो वो थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो बड़ा सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि अभी इतने दिन से कर रहे हुआ ही नहीं है, तो पीसी एमओ आप कीजिए तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो मैं वैसे करते गया। फिर दिसंबर में रिजल्ट आया और देन उसमें फर्स्ट में तुषार भाई का, हाँ उनका हो चुका था। सो और हाँ सो उसके बाद एग्जैक्टली वहां पर हो नहीं पाया था, तो और बचा हुआ था मेरे पास 2 मंथ ओनली, आई थिंक सो 15 या कुछ, तो दिसंबर को रिजल्ट आया था, तो दिसंबर या जनवरी बचा हुआ। तुषार के साथ, तुषार के साथ ही आप थे? हाँ सर, यस सर, यस सर, वो फर्स्ट ईयर में। तो मैं उनसे भी मतलब बात, वो भी नागपुर से थे और थोड़ा नागपुर नागपुर का हो जाता है ना वाइब मैच, तो हमारा वो डिस्कशन वगैरह चलता था। तो उन्होंने सर फर्स्ट ईयर में जो प्रिपरेशन किया, तो उन्होंने एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, और उनका एनालिटिक्स मैं तो मानता हूँ कि टॉप नॉच है। उन्होंने जो गाइडेंस बताया था, उन्होंने जो बताया था कि यहाँ से पढ़ना, और मतलब शॉर्ट नोट्स अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं बीआरसी, तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप शॉर्ट नोट्स अगर अच्छे से पढ़ते हो और आपका फॉर्मूले अच्छे से आपको आते हैं, तो आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे, उतना कुछ टफ नहीं होता है। जैसा उन्होंने बोला था कि 20% एग्जाम होता है और आपका इंटरव्यू जो होता है वो फिर अबाउ 80% प्लस हो जाता है, तो वो एग्जैक्टली सही पॉइंट उन्होंने बोला था। तो उनका मैं वीडियो 2-3 बार लूप में सुनता था कि ऐसा उन्होंने कौन सा पॉइंट, आपने जो गाइडेंस दिया था। तो अभी हमारे साथ यहाँ हसन भी है, तो हसन ने बहुत ही स्ट्रगल किया है, कईयों को बहुत इजीली मिल जाता है बट कईयों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हसन ने भी काफी स्ट्रगल किया है और हसन की स्टोरी भी सुनते हैं कि ये एनआईटी कैलीकट से है। तो हसन क्या कैसे क्या हुआ था जब आपने प्रिपरेशन करने आया, उसके बाद से क्या हुआ? हाँ, तो थर्ड ईयर में थे तो सबको, सभी लोग एनआईटी कैलीकट में कहते हैं भाई यहाँ का प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट लेना है। हम भी मोटिवेटेड थे, ठीक है भाई प्लेसमेंट लेंगे। तो फिर सभी लोग चले गए थे इंटर्नशिप की, और फिर मेरा मन में ख्याल है कि यार गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम था, उसी के लिए केमिकल ड्रॉइंग किया कि पीएससी करना है, तो सोचा कि ठीक है इंटर्नशिप नहीं जाना, चलो डेली कोचिंग चलो। तो पहले से नजर में था, सीनियर्स गाइड कर रहे थे कि हाँ ये बेस्ट है, और प्रदीप सर के वीडियोस हम देखे थे सेकेंड ईयर में, उस सेंट्रिफ्यूगल पंप आपका बहुत पुराना वीडियो सर, बहुत बेस्ट है। तो वो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था जी सर, तो वही पहला वीडियो मैंने देखा था। उसके बाद सोचा कि ठीक है थर्ड ईयर जब चांस मिला तो जाएंगे। तो फिर इंटर्नशिप नहीं जाने के बजाय चला गया दिल्ली, और वहाँ 3 मंथ का वो समर कोर्स किया। तो मेरा मन था कि मेरा कॉलेज कुछ देर रुक जाए, मुझे यहाँ का सिलेबस कोर्स कंप्लीट करके जाना है। तो ड्यू टू मेरा कॉलेज पहले खुल गया और बीच में छोड़कर जाना पड़ा। उसी साल मैंने गेट दिया जो भी करके, वहाँ 694 रैंक आया। सेटिस्फाई तो नहीं थे, बहुत उदास थे, लेकिन फिर सोचे ठीक है कुछ कर लेंगे। फिर उसी साल कोविड आया, और तब मेरा प्लान था कि नेक्स्ट ईयर जाएंगे दिल्ली, फिर से एक साल पक्का देंगे, क्योंकि मेरे सीनियर्स वो एनजीसी में गए हैं, वो लोग थोड़ा ड्रॉप करके किए तो बेटर कर गए। तो सोचे ठीक है एक साल ड्रॉप लेना है, वो पक्का डिसाइडेड था। तो कोविड आ गया, अब ऑफलाइन क्लास है नहीं, अब क्या करें, वो टेंशन था दिमाग में, क्या अब कैसे टैकल करें। तो उस टाइम ऑफलाइन क्लास नहीं था, ऑनलाइन शुरू हो चुका था। फिर मेरे पास एक इशू था कि कैसे ज्वाइन करें, मतलब उतना पहले तो लेट आया मैं, तो मैं क्या किया कि सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है और ऐसा करता हूँ दिल्ली चला जाता हूँ। वो उस टाइम में पूरा दिल्ली बंद था, मैं वहाँ पे आपके कोचिंग के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में मैंने रूम ले लिया था 3 लोग, और फिर अपनी तैयारी में लग गए थे। फिर ईयर 2021 में गेट गया, फिर गेट
के जस्ट बाहर आए तो फिर लगा कि साल खराब हुआ, तो सोच के थे कि ठीक है अब सोचना नहीं है। एग्जाम में होता ही है कि जितना भी कर लो एग्जाम के दिन में प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। फिर सोचे कि यार इतना कुछ किए, एक साल बैक ले लिया, फिर भी घर में भी थोड़ा प्रेशर है कि हाँ अच्छा अचीव कर लो, बाकी दोस्त प्लेस हो गए। लेकिन मेरे मन में मतलब फोकस था कि नहीं एसयू लेना, फिर वैसा ही केमिकल ओरिएंटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ईयर 2020 में ही जब 694 रैंक आया था उस वक्त मेरा बार रिटेन टेस्ट में हो गया था, तो उस टाइम गए थे इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू फेस किया तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरे में क्या कमी है। फिर हम उसके नेक्स्ट डे ही आपसे कॉल किए थे कि सर इंटरव्यू तो गया है लेकिन फिर क्या करें, तो आप बताए कि हाँ ठीक है एक बार रिपीट कर लो अगर मन है, और रिस्क लेना चाहते और कॉन्फिडेंट इनफ हो कि हाँ तुम कर सकते हो बेटर कर लो। हम सोचे हाँ सर कह रहे हैं तो करना ही चाहिए। तो आपसे आप बीच बीच में जब ऑफिस में आते थे तो मैं आता था आपसे मिलने के लिए कि सर ये डाउट है, इंटरव्यू में आपसे पूछ रहा था आपसे वो नहीं जाता था। हुआ क्या कि 2021 में मेरा गेट होने के बाद डिस्कशन हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस साल भी गया होता क्या था पता नहीं, एग्जाम में बस गया। तो फिर घर आ गए, घर आने के बाद फिर सोचा कि ठीक है अब कोई चारा नहीं है, और घर में भी थोड़ा वो कॉन्फिडेंस देना कि हाँ कुछ कर रहे हैं घर बैठे क्या करेंगे। मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था आईटी बॉम्बे में, तो आईटी बॉम्बे में ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर का आईटी बॉम्बे एमटेक बहुत टफ होता है, यानी आपको सब्जेक्ट्स मतलब सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, और साथ में मेरे मन में था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी करे। तो फिर प्रिपरेशन के टाइम में ही मतलब क्लासेस चल रहे हैं, मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो उस टाइम में मैंने कोई मतलब मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ BIA का। मैंने क्या किया कि आपके जितने पुराने नोट्स थे वो शॉर्ट नोट्स बना हुआ था, फिर कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो वो सीनियर से ले लिया, जैसे आदित्य सर बहुत हेल्प किए मुझे वायुसेल में भी, तो और फिर आपके वो रेगुलर यूट्यूब में वीडियोज आते ठीक था मतलब मोटिवेटेड थे तो BIA। तो फिर गेट फिर से दिया इस बार, मतलब इस बार तो पेपर अलग ही लेवल का था सर, मतलब एग्जाम देकर आया कि यार मेरे से गेट क्यों नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। फिर भी मतलब होप तो छोड़ दिया था, फिर कोडिंग शुरू कर दिया, आईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट लेना अब सोच के छोड़ दिया कि ठीक है अब गवर्नमेंट हमसे होने वाला नहीं है, 3 साल बैक हो गया हम नहीं कुछ करना। तो मतलब रिजल्ट के रात में मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, रिजल्ट देखने का मन नहीं था, तो फिर रैंक आया कि हाँ 134, तो मतलब अलग ही खुशी हुआ, अरे ठीक है कुछ तो आया, पेपर तो खराब गया था ही कुछ तो खुशी हुआ। तो उसी टाइम मार्क भी दिया, तो मतलब सीनियर्स का गाइडेंस था, और तुषार सर और एक और सीनियर है जो गोरखपुर से सर, तो उनसे मैंने आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा था कि क्या करूं इस बार, अभी मतलब शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं लेकिन मैं पूछ रहा था कि हाँ फिर हो गए तो यार इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार तो मुझे एक ही रास्ता, या तो आईटी बॉम्बे एमटेक करो और या तो मेरा अपना जो मैंने इतने दिन से सोचा वो कर। तो गया बाद में इंटरव्यू हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही स्ट्रगलफुल जर्नी थी बट फाइनली मैं ज्यादा स्टेटस तो हसन ने बोला कि सर मेरा भी हो गया है, हमने कहा अरे यार वाह कांग्रेचुलेशंस, और सेम विद मोहन आल्सो, तो मोहन ने भी व्हेन आई पुट द स्टेटस, तो व्हेन आई पुट स्टेटस देन मोहन हैज मैसेज मी कि सर आई आल्सो गॉट सिलेक्टेड, हमने कहा वाह कांग्रेचुलेशंस यार, तो दैट वाज वेरी नाइस। एंड एज अ टीचर नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, कि अगर आपका स्टूडेंट जो है ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली कि प्राउड फील होता है हम लोग को, और हमें और क्या चाहिए। ठीक है, तो मोहन वाज इन द फाइनल ईयर एंड ही विल आल्सो शेयर हिज एक्सपीरियंस, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू कनेक्ट मिस्टर तोमर संदीप। यस सर। हाँ ऑडिबल हो, तो थोड़ा सा बताओ कि कैसे इंटरेक्शन हुआ मेरे से, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्या। Yes, sir. So, good evening, sir. I have done my BTech in Chemical Engineering from NIT Srinagar in the year 2021. And मैंने तो 6 सेम तक कोडिंग ही किया है, तो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा ही नहीं था। So, 7 सेम में मतलब पापा से बात होती थी तो पापा बोले कि ट्राई कर लो यार केमिकल में, ऐसी कोई बुराई नहीं है।
फिर सेवंथ सेम में मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था, तो खुद ही से हम लोग करते थे, मतलब मेरे और भी दोस्त थे कॉलेज के, तो सेल्फ स्टडी किया। तो उस वक्त जब मैंने गेट दिया तो मेरा 147 रैंक आया, क्योंकि श्योरिटी ऐसी थी नहीं कि यहाँ पे हो जाएगा या उधर हो जाएगा कहीं पे, तो फिर भी लेकिन था कि चलो इंटरव्यू अच्छे से देते हैं, एटलीस्ट जो अपने हाथ में वो तो अच्छे से कर लें, बाकी देख लेंगे जो होगा। तो IOCL गेल वगैरह दिया था, तो उसके बाद क्रिप्को भी उस टाइम रिक्रूट किया था सर, आपको बताया था मैंने। फाइनल ईयर NIT के लिए रिक्रूट करता है वो, तो उस टाइम उसका इंटरव्यू दिया मैंने। तो उससे पहले फिर आपसे इंटरेक्शन हुआ था मेरा, मैंने कॉल किया था तब, मतलब बाहर ही था मैं रोड पे ही, तभी आपका जैसे फेसबुक पे मैसेज मिला, मैंने तुरंत आपको कॉल किया फिर बाहर ही, तो आपसे बात हुई, फिर आपने बोला ठीक है शाम में बात करते हैं थोड़ा। तो ऐसे करके आपसे पहली बार इंटरेक्शन हुआ था मेरा वहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया था क्रिप्टो में। तो जनरल शिफ्ट में जाते थे हम लोग 8 to 6, फिर एक ही लेक्चर जैसे देख पाता था, आपसे बात भी होती थी, तो आप बोले एक ही देख लो फिलहाल, घर पे तो एटलीस्ट मतलब दो देख लेते हो आप पूरी लाइव में, तो वहाँ तो सब ठीक था, सब सही चल रहा था, लेकिन कंपनी ज्वाइन करने के बाद थोड़ी दिक्कत होती थी तो उस वक्त। बट लेकिन उस वक्त फायदा क्या था कि मेरे मेजोरिटी ऑफ कोर सब्जेक्ट भी कवर हो चुके थे, तो मास ट्रांसफर और थर्मो बचा था बस। तो और फिर BRC में जब हम लोग रिटर्न तो यहीं पे दे दिए थे घर पे ही, तो उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए था तो चार सब्जेक्ट, तीन तो एकदम क्लियर शॉट था मेरा, हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर CRE जो पढ़ाते ने प्रियांसर और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मेरा ऐसा था कि हीट फ्लूइड CRE और एक सब्जेक्ट था जो मैं श्योर नहीं था कि क्या लिखूं, क्योंकि मास मेरे को आता नहीं अभी भी इतना अच्छे से नहीं आता है, और थर्मो के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए BRC में बोलने के लिए थर्मो, तो इसलिए फिर उसमें दोनों में था कि कौन सा सेलेक्ट करना है। तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी था क्रिप्को में, वो MNIT जयपुर से था अंकित, तो हम लोग साथ ही में प्रिपेयर करते थे, एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे। तो वहां पे फिर हम लोगों ने उसको आपसे बात करके मास को फिर फाइनल फोर्थ सब्जेक्ट बना दिया था, तो फाइनली मास भी बना दिया। हाँ, क्योंकि उस वक्त तक थोड़ा क्या था कि बेसिक्स क्लियर हो गया था थोड़ा, मैं आपके लेक्चर देखा था तो ऑपरेटिंग लाइन वगैरह मेरे को फिर क्लियर हो गए थे, क्योंकि BRC में वहीं पे ज्यादा पकड़ते हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे ही, कि इस लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दो, नीचे शिफ्ट कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, क्या होगा वो सब, तो वो मेरा क्लियर हो गया था, तो मैंने मास रख लिया अपना फोर्थ सब्जेक्ट। और बेसिकली अगर मैं बात करूं अगर किसी पॉइंट पे, तो इंटरव्यू पे मैं ज्यादा बात कर सकता हूं, क्योंकि जब मैंने हीट से स्टार्ट हुआ था मेरा इंटरव्यू, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर आराम से स्टार्ट करेंगे, बता दो जरा 3 modes ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है ऐसा वैसा, सर ने मेरे को पूछा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर और शेल एंड ट्यूब में क्या अंतर है, तो मेरे को एकदम से थोड़ा अजीब से लगा, ऐसे क्या होता है यार, थोड़ा आराम से पूछो पहले ही क्वेश्चन। तो बट लेकिन मैं बताया, फिर उन्होंने वहां से फिर सीधा स्टार्ट कर दिया डिजाइन, पूरा शेल एंड ट्यूब का डिजाइन स्टार्ट कर दिया सर ने। तो वो आपने बहुत अच्छे से बताया, मतलब एकदम बहुत ही क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए उसमें, तो एटलीस्ट वो। और मेरा दूसरा सब्जेक्ट फ्लूइड था, तो मेरे दोनों पैरेलल चल रहे थे सब्जेक्ट, जहां भी थोड़ा भी हीट लगाते थे तो फ्लूइड की बात आई जाती थी, अब क्या होगा ऐसे क्या होगा, कहां प्रेशर ड्रॉप, ये सब। तो मेरा वो अराउंड 45 से 50 मिनट चला होगा सर डिजाइन पे। अच्छा। हाँ, खूब, मतलब अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं डिजाइन कर सकता हूँ सच में उस इंटरव्यू के बाद। तो उसके बाद फिर CRE आया, हीट फ्लूइड मेरा बहुत अच्छा हुआ सर, मतलब, और उससे एक रात पहले आपसे बात भी हुई थी मेरी, फिर सुबह में भी जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो तब भी आपका एक वॉइस मैसेज था, मुझे भी मुझे याद है, मैंने हॉरिजॉन्टल वाला, फिर आपने बोला कि जाओ आराम से तो कुछ नहीं होगा ये हो, तो फिर भी हीट फ्लूड मेरा अच्छा हुआ। फिर CRE में आए सर, CRE में पूरा बता दिया था अब अच्छे से। फिर मास में थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही थी, बट लेकिन क्या था कि जब भी मैं अटकता था तो मैं बेसिक्स पे चला जाता था तुरंत,
जहां भी अटका तुरंत बेसिक्स पे चला, तो उन लोगों को थोड़ी बात ठीक लगती थी कि हाँ लॉजिकल तो है, भले एकदम से नहीं बता रहा बट सोच के बता दे रहा है ऑपरेटिंग लाइन. तो फिर हीट वाले सर तो बोले अच्छा ठीक है शैलेंट ट्यूब डिजाइन कर दिया, आओ अब डबल पाइप डिजाइन करते हैं. तो डिजाइन मतलब अच्छा लग रहा था पूरा. तो मेरा इंटरव्यू अराउंड हो गया था 1 hour and 17 minutes, तो उनका लंच टाइम हो रहा था सर का. तो वहां पे फ्लूइड वाले सर थे, उन्होंने बोला अच्छा आप जाने दो इसको काफी हो गया. ऐसा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था ऐसा था सर. बट जो मतलब एक चीज मैंने नोटिस की थी वहां पे इंटरव्यू के दौरान, वो ये था कि जैसे आपके जो लेक्चर्स में आप की पॉइंट बताते हैं ना, जैसे कि सिर्फ फ्लूइड्स में कंडक्शन बता दो कैसे होगा, तो ऊपर प्लेट गर्म कर देते हैं जो वो वाला जो क्वेश्चन है, तो ये जो की पॉइंट्स आप एकदम से बता देते हैं लेक्चर में, अब जो पकड़ना हो तो पकड़ लेते हैं कि हाँ ये पूछा जा सकता है, ये बहुत पूछे जाते हैं. और जो डिजाइन आपने बताया, मेरे को लगता है डिजाइन तो किसी ने नहीं समझाया होगा ऐसा जैसा आपने समझाया ना शेलन ट्यूब, उससे तो बहुत ही हेल्प. और मेरा तो पूरा इंटरव्यू इस पे हुआ है डिजाइन पे ही. हाँ 45 मिनट बहुत होता है. हाँ सर. और सीआरई में, यस सर. हाँ बोलो बोलो. सीआरई में क्या, सीआरई में जो प्रियांश सर ने एक वो है उसमें 11 स्पिल में अपना जो पॉपकॉर्न वाला जो है वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल वॉल्यूमेट्रिक वाला सेम बिल्कुल वैसी चीजें पूछ रहे थे, तो रिलेटेबल लग रहा था मेरे को. ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम से नया के नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो वैरायटी थी कोर्स की या फिर ऐसे कह लीजिए डायमेंशंस जो कवर किए थे वो बहुत ज्यादा है. तो मेरे को नहीं लगता कि उसके बाहर से अब एटलीस्ट बीआरसी में नहीं है तो कहीं और तो नहीं होगा. हां डेफिनेटली. और क्या, बीआरसी तो इतने इन डेप्थ नॉलेज को ही टच करते हैं वो, और उनका मेन. अच्छा मुझे लगता है कि बीआरसी में जो है वो ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट आंसर दो तभी काम चलेगा, कम से कम आप बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए और क्या उससे रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, भले ही आप एग्जैक्ट आंसर दो या ना दो. हाँ सर, जैसे कि देखिए जैसे जो इंटरव्यूज लेते हैं वो हमें पढ़ाने भी आते हैं साइंटिस्ट जो हैं सर हमारे, तो यही कहते हैं कि एक्चुअल में हम लोग आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं तुम्हारे अंदर, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, कि तुम वो सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, तो वो चीज हम लोग ढूंढते हैं. आपने देखा भी होगा कि कई बार हाई रैंकर्स वाले, जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल हैं फिजिक्स में भी या और भी जगह, बहुत अच्छी रैंक है बट लेकिन उनको क्लियर ही नहीं हो रहा है बार बार. दिक्कत वही आ रही है कि जो लोग वो देखना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा उनको कई बार. हाँ बीआरसी में मैंने कई बार देखा है कि सिंगल डिजिट रैंक वाले नहीं आ पाए हैं फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि गेट में मार्क्स लाना, गेट में रैंक लाना एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि गेट जो है वो एप्टीट्यूड चेक करता है, नाम ही है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो एप्टीट्यूड चेक करता है कि आप शॉर्ट टाइम में कैसे चीजों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, है ना. और मैं अभी एक पेपर दे रहा था AICTE के थ्रू था पेपर, हो तो उसमें था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो उसमें मैंने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसलिए बनाया जाता है ताकि पूरे सिलेबस को हम कवर कर सके, वाइड रेंज ऑफ सिलेबस को कवर करना होगा, बट सब्जेक्टिव जो होता है ना, सब्जेक्टिव वो इन डेप्थ नॉलेज को चेक करता है, एक पर्टिकुलर पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएगा, बट हाँ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इन डेप्थ नॉलेज आपको पता करना है तो वो आपको सब्जेक्टिव से ही पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है, और इसीलिए वही इंटरव्यू है एक तरीके से. ये था. अभी दोबारा आपसे आते हैं तो मिस्टर मोहन आरुदेर. यस सर. यस सर. तो नाउ प्लीज टेल मी कि जस्ट शेयर योर जर्नी एंड टेल मी योर एक्सपीरियंस एंड दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड लास्ट एक्सपीरियंस इन द बीआरसी इंटरव्यू. यस सर. बिकॉज़ यू हैड क्वालिफाइड द बीआरसी इन सिंगल अटेम्प्ट. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी सर. इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव to provide the free education for the rural people. Like in this college, we have 6 years integrated course. Oh. Like both plus two and engineering in the same college. Oh. Oh. Where it is? They will, in Andhra Pradesh. In AP, yeah? Yes, sir. Okay. Like they will select based on the merit in the 10th class. In my 10th class, I got 10 CGPA, so they got that seat and I went to Rajiv Gandhi University of Knowledge. 10 CGPA? Yes, sir. What do you want to do?
And after both plus two engineering in the same college, I don't know about JE, which I don't have that much idea about JE. Yeah, so, definitely you got the direct CTEC entry. Yeah? Yes, sir. Like after completing my plus two, my friend, his brother is from chemical. After I completed, in the same year as I completed the plus two, his brother got selected in ONGC. His gate rank was 178 something around. And after seeing that his annual package is 16 LPA and our college placements are like around 5 LPA, 6 LPA. And then I decided I will take chemical engineering. I will go for 16 LPA. I don't know. No, I will not go for chemical engineering. I will go for 16 LPA. I don't have any idea about chemical engineering, sir, frankly speaking. But if he can do, I will also do. That is the main motto. I take chemical engineering. After plus two, my CGPA was around 9.7. And I will get the branch whatever I choose. Either computer science or whatever. But after seeing his achievement, I decided to go for chemical. So I opted chemical, I got chemical. But in the first semester, I always in the mindset like whether I have taken the wrong decision like that. But after coming to the core subjects, I slowly got developed in interest in the core subjects and I started studying from the second semester. And third year, third year, I don't like suddenly they have announced that third year students are also eligible for the GATE exam. So I started preparing the last 2 months only. I have completed just around 2 to 3 subjects, that too from test books. I wrote some short notes and I was almost the topper of my batch from the starting only. So I have more confidence than on myself. So after giving GATE, I got rank around 1608 something. Wow, that great. That is the first failure I got because I expected below 500, but I got around 1608. I get very disappointed and after the results, I contacted you on the Facebook, sir. And that was very important because failure was very important. Otherwise, you don't know how much competition was, you know? Yes, like then I decided that I want to take some coaching to get a good rank below 100 so that I can achieve that 16 LPA baggage. That was the main reason for going for coaching. So I searched and I know that EA is good than rest of the coaching. So I contacted you on Facebook, sir. I got this rank in the third year. I wanted to prepare for fourth year. So I contacted you, I messaged you on the Facebook and you called me and you gave the contact number of Yogi sir and then I joined EA only. And after taking the online classes, I regularly follow the classes and I do, but it was a corona time, no sir, we have plenty of time. So in home, college classes, I just log in and keep it aside. I haven't attended any class of the college. But after main was heat transfer. Heat transfer was like you have taught heat transfer at the top notch. It has become a favorite subject also. So not only mine, many of the students who has taken EA, their first favorite subject is heat transfer. I have seen it. Exactly, sir. I completely agree. So heat transfer, parallelly, I got interested in heat transfer. I read test books like Senjal after completion of classes. And in the first attempts only, I used to solve 90% of the questions after learning from classes, after seeing the notes. 90% question of what? Previous year questions. Oh. So I regularly follow the every classes. And But what happened is, in December month, our college got reopened. And all the backlog semester exams are just added on. Like within months, they will keeping all the backlog mid exams, semester exams. Like that in December, I don't get enough time. Like I have given only just 8 tests only.
full length essay I have given only 8 and average I got around 67-70 marks. But I think this time due to college reopening, my gate I may not score good rank in gate. Like that I felt before giving the gate exam, and I slowly started decreasing my hours of study. Like from starting I used to study 12 hours. Before gate in January I used to study around 6 hours like that. Mm-hmm. In college with friends, not that. So I think this year I cannot achieve a good rank, so that I called you on like around January 5th like that. Sir, campus placements are going on, not getting enough time, semester exams. I have given just only three tests only till now, and I sent to you. You said that you asked me how many marks you are getting. I said, sir, around 67-70. Yeah, you are giving only three tests and you are getting 67. It is very good. You are in a very good stage. Now onwards, you daily one test and you will definitely cross 70 above in gate exam. You said that. So, and then I started giving again tests, but I did it only for 5 days, and then and next day start and again stopped giving tests. But Pongal holidays, I went home there. So 1 week I got lost. But yeah, after giving the gate, I think I will not secure rank below 1000 also, because completely it was corrupt. Like I spent nearly 25 minutes in one question. That was the first question in the core sector. In the core paper, that was the first question. Like I was like, why it is not getting the answer? Like I around 25 minutes I wasted there, and then I like, say 3 hours over here, I attempted 49 questions out of 65. Oh. Yes, and after giving the gate exam, I again, and the next day onwards, I started preparing for the gate 23. Because I know that I will not reach any good rank. Like, I need to take one year extra, take a drop like that. But the rank was 168. I couldn't believe that it's a low, very low marks, but good rank. Good rank. It means sab gade hai. Sabne kharab kiya hai. ये 2022 में सबका एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो टॉपर भी होगा वो देने के बाद उसे लग रहा होगा कि बहुत खराब हो गया है. सबका ऐसा ही एक्सपीरियंस था. यस, बट एंड द मेन ड्रॉबैक इज आई हैवंट गिवन एनफ टेस्ट सीरीज सर. आई हैव गिवन ओनली 8, बट सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स आई हैव डन एट द गेट एग्जाम्स अराउंड 8 टू 9 मार्क्स. अदरवाइज आई विल आल्सो बी बिलो 50. दैट वाज वन द मेन मिस्टेक आई हैव डन इन द नॉट गिविंग एनफ टेस्ट सीरीज. Like after after getting the runs, and again I started slow studying a few hours only before the gate rank. I started again before the gate rank. I started again reading 12 hours, sir. But after the gate rank, again I decreased it to 4 hours, 5 hours. And in the final semester of the college, like farewells, cultural fest, friends, they say, like after the bark notification, I said I think that I may not get the PSC with this rank. I will give bark attempt seriously like that. I prepared for bark attempt and I secured 193 marks, and the cutoff was 173. And then I went for the entry. My entry was around 1 hour 10 minutes. I was the last second one on that day. Okay. And asking something here is also on the same day. Like we both entry on the same day. Asking. Me and one. Yes, me and who? Hassan and yes, we both were on the same day. On the same day, I was the first, and then after 2%, he got the chance. Okay. Yes. Then one. And they in the interview panel first day they asked, "Are you finally here?" Yes, sir. What are your? How did you come for this interview? Like I said, based on the written exam, sir. How many marks you scored? I said 193, sir. What was your cutoff in that branch? 173. Yeah, very good. You are in final year. You felt very easy, na, that written exam. No, sir. It was average. So he also asked, have you given gate? Yes, sir. I gave gate. What was your rank? He asked. I said 168. Yeah, nice. Like
Are you placed in your campus? Yes, sir. I have placed in a company like McIntyre Temple. He asked the package. I said 3.6, sir. Then why can't you join? Sir, I want to achieve something. Excuse me, sir. Yes, yes, sir. I don't want to end up. So just I left that. And he asked the parent subject. I said heat transfer, CRE, fluid mechanics, mass transfer. And the first question he asked is classification of heat exchangers. That one I was prepared. Design of heat exchangers and classification of heat exchangers, I was prepared. They will ask in the bar for this is most important topic. I prepared and they asked only that one. Classification of heat exchangers and design of shell and tube heat exchangers. Like I said whatever you have said, like step by step one, step two, step three, around 15 points. I said everyone and every step I said that and the counter questions they will ask like what is the temperature profiles for condensation, phase change, why the curve is non-linear, like I said, every cross question, like initially the rate, driving force is more, the rate is more, so initially slope is more, then decreases, like that last, they asked cross questions, I completely said that cross question. Like my heat transfer around 30 minutes. And then that one, like constant wall flux pipe, that one they asked, like, yes sir. How can you calculate the outlet temperature, that one they asked. Like most of the questions are from notes only. If we carefully study the notes, we will easily crack the bar entry. But CRE was like they asked very new questions. Like I have reactions like A gives a first question they asked is A gives raise to B. Is it complete in a finite time or it will not complete it? I said that sir, we cannot say. Based on the order, we can say whether it is complete in finite time or infinite time. I said that. But they have said counter question like your friend at the last interview question has said that it will never complete like that. No, sir. If it is less than first order, it will complete in a finite time. Like that, I said, and they satisfied. And then they asked like rather concentration profiles of the zero order. Actually, they were not expecting that finally students can answer like that. Yes, and you have answered very well. That's why they are going to impress. Huh? Yes. And then like non-isothermal case concentration profiles. Like this question we had discussed in the bar chemical engineering groups. Same question they asked, like zero order non-isothermal concentration profile. I have drawn that one. And fluid mechanics and the question is like, they asked like I have to pump some 5 m³ per hour flow rate of one fluid from here to some other plant. How can you design the pipeline? Like I have think some time and said that sir, if the flow rate depends upon velocity and diameter, Q is directly proportional to Vd square. So we have two parameters, velocity and diameter. If we increase the velocity, our pumping cost will be high. Or if we increase the diameter, our material cost will be high. So I will draw the curves of material cost and pumping cost and the optimum total cost diameter, I will capture like that, I said. And they are completely satisfied with this answer. And then they ask general questions like, what is meant by distilled water and demineralized water? Which one is better? I said the distilled water is like, sir, we will evaporate and we will take the vapors and we will condense. That one is distilled water. It will not contain any minerals. And demineralized water is like RO membranes. We will only remove certain amount of time, a certain amount only. We will not remove the complete. That one I said. They said, which one is better, which is economical? I said, ROs are. Why? Because this is easy. Membranes are very costly. This is easy. We can vaporize and then condense. That one is very easy, they said. But sir, if it is easy, the principle will be used in almost all the water purifiers, that why are you using that RO membrane even if it is costly? So I asked like this. I then counter asked, I asked themselves like that. So they are laughing like, I am asking you questions and you are asking me another question like this. And after thing, I said that, sir, maybe the initial cost will be high for the membrane suppression process, but the operating cost will be less. But here, the operating cost will be more. So like that, I said, they satisfied with the answer. And the last question they asked me is, what is the difference between nuclear reaction and chemical reaction?
I kept silent for 1 minute, and they said, "Do you know the answer?" I said, "No, sir, I don't know." Like that, and then they asked me to leave the interview. Mm. Mm. Yes, and that's all. That was. So it was a really a well explained thoughts from your end. So I just want to ask a very one question from you. You have attempted only 8 test paper out of 65 or 75 test series. So how was the experience of those 8 test papers? Sir, 8 tests, in that 8 tests also, I have gave only 5 tests seriously also, within 3 hours. Remaining 3 tests, I will write 1 hour and I will take break for 3 hours and then I will write 1 hour and then a break for 2 hours. Like again, like that I did for 3 tests, but 5 tests I gave seriously. But test series are very helpful, sir. Like I haven't written the basic test. I directly go to the advanced and pre-final test one. Pre-final was very helpful because the 2022 paper was exactly like pre-final test paper because it was also lengthy, same as that one. Giving that single test helped me a lot. As you have appeared in the BRC interview. So, yes. As for the students who are listening this session, what you will suggest to them? How they should prepare for the interview examination? Interview, in mostly they will check whether you are thinking in that logical way or not. Hmm. That is the main motto they will observe in the student. So what I did is, after clearing my BARC interview, I opened standard textbooks of every subject, like for fluid, Senjal. For heat also, I followed Senjal. For mass transfer, I followed Jankov list. Like that, and first I revised all the notes of EAIs. I just, after revising all the notes, I go for the standard textbooks. I read point two. I think if you have gone through the lectures, then if you, after going through lectures, if you will go through the books, then obviously the books will be very easy. Yes, it seems like that, very easy. That's why I first revised all the notes of EA, sir, so that I have some strong basics and so that I can understand much better the test. The first time, if we are going through test book, so we have a lot of time to understand. और हमें फिर शॉर्ट नोट्स और जो मार्क हम करते हैं उसमें काफी टाइम चला जाता है, बट अगर एक बार हमने नोट्स पढ़ लिया, अगर हमने जैसे हम आपके नोट्स पढ़कर फिर बुक्स पर जा रहे थे तो इजीली समझ में आ रहा था एंड बहुत जल्दी वो कवर हो जा रहा था सम बुक्स. हां डेफिनेटली. और क्या बताओगे कंटेंट के बारे में, कैसा कंटेंट मिलता है आपको? कंटेंट तो EII इज द बेस्ट, उसका कंटेंट एंड हीट ट्रांसफर वाज, मतलब उसी से हीट ट्रांसफर जैसा आप पढ़ाए थे फर्स्ट टाइम भी, मतलब फेवरेट बन चुका था जैसा बोला था उन्होंने, और सेकंड टाइम भी जैसा. हाँ, और फिर उसके बाद फर्स्ट 2021 में सर उतना मतलब मींस हो नहीं पाया अच्छे से, सो देन आफ्टर दैट मैं फिर से आपको कोचिंग ज्वाइन किया था तो हीट ट्रांसफर ही फिर से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सब्जेक्ट, तो मैं और अच्छे से वो रिफाइन हो पाया था तो और अच्छे से. एंड आप, मैं एक बात नोटिस किया था कि आप 2022 दिस ईयर आप BRC के ओरिएंटेड मींस उसका इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा डिस्कशन एंड वो डीपली आप कर रहे हो तो गेट ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा इजीली, अगर आप BRC के इंटरव्यू के लिए अगर हम प्रिपेयर वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं सो उसमें फिर एक्चुअली हीट ट्रांसफर को क्लियर करने के लिए FM का भी होना जरूरी है, फ्लूइड मैकेनिक्स, बिकॉज़ एग्जैक्टली यस सर. और आई हैव ट्राइड टू लिंक द सब्जेक्ट्स लाइक हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ विदाउट फ्लूइड मैकेनिक्स, विदाउट फ्लूइड मैकेनिक्स यू आर नॉट सपोज्ड टू. In heat transfer only you covered 50% of the fluid mechanics. Fluid mechanics, exactly. Like, and sir, इसलिए then फिर BRC में जो interview था उसमें my preference was heat transfer then fluid mechanics. मैं ऐसे सोच के गया था कि अगर heat transfer होगा means अगर heat transfer अच्छा हुआ then fluid mechanics will be easy, और वैसा ही means ये interview में 2022 के ऐसा हुआ कि heat transfer से वो कब fluid mechanics में shift होगा ऐसा कुछ means समझ में नहीं आया कि हीट एक्सचेंजर सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर उन्होंने पूछा था एंड उसमें बहुत से क्रॉस क्वेश्चनिंग छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछकर फिर देन वो फ्रिक्शन लॉसेस में चले गए
the number of tubes, passes shell and tube. और मुझे एक बात याद है कि फर्स्ट ईयर में सर आपको भी शायद याद होगा, फर्स्ट ईयर जब मैं इंटरव्यू देने गया था 2021 का, तो मैं इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले आपको मैसेज किया था सर कि शेल एंड ट्यूब का डिजाइनिंग मैं कहाँ से पढ़ूं। देन सर ने बोला था कि तुम 2 दिन पहले ये सब पूछ रहे हो तो फिर कैसा, बट लास्ट 2 दिन में वो क्लियर हो चुका था कि मैं आपके ही नोट्स, फिर बट मैं अच्छे से नोट्स नहीं पढ़ाता एक्चुअली। फिर आपने बोला था कि नोट्स ही खोलकर देखो, तो मैं नोट्स खोलकर जब देखा तब क्रिस्टल क्लियर वो चीज हो चुकी थी। देन फिर 2022 बोला कि तुम नोट्स तो ओपन करो, डिजाइन के लिए सब कुछ मैं बता दिया जो पोजीशन सेक्शन वॉल्यूम 6 में दिया हुआ है, मैं तुमको यहां पे दे दिया सारा चीज। यस सर, कौन सा मेथड। देन सेकंड ईयर में वही, फिर बट एक चीज लैगिंग था सर 2021 में, ऐसा था कि मैं मतलब खुद ऐसा प्रिपेयर करे तो अकेले में ही ऐसा प्रिपरेशन चल रहा था, मींस कोई ऐसा नहीं था जिससे हम डिस्कशन कर पाए, जैसा मैं मेरा इंडिविजुअल अगर बात करूं। बट 2022 में ऐसा था कि जैसा वैभव मिश्रा वो एंड स्वाति, इन दोनों से मैं बहुत अच्छे टच में था, तो वैभव से तो मींस ऐसा डिस्कशन जैसा, ऐसा हम डिस्कस करते थे कि इंटरव्यू में ही डिस्कस कर रहे हैं, जैसा हम अगर कुछ अगर अकेले में हम कुछ सोच रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं तो हम खुद ने सोचा, बट हमें आगे का पॉइंट नहीं मिलता है कि हम आगे में कैसा सोचे, तो हमारा एक दिमाग एक एक्सटेंड तक सोचकर रुक जाएगा। बट अगर हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो चीज हमने कुछ सोचा एक एक्सटेंड तक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आगे वाला कुछ बोलता है, तो वो दोनों पॉइंट मिलाकर फिर हम कनेक्ट स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा और स्वाति से और वैभव मिश्रा से इतना मतलब अच्छा बॉन्डिंग हो गया था कि ऐसा लगता था हम इंटरव्यू ही डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ वो डिस्कशन के बाद में बहुत मींस वहां पर जब इंटरव्यू देने गए तो ऐसा लग रहा नहीं था हम इंटरव्यू, जैसा मेरी बात मैं करूँ तो मैं प्रिफरेंस रखा था हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर, देन सीआरई। मैं सर आपको भी बताया था सर कि सीआरई थोड़ा सा वीक लग रहा है तो मैं क्या एक्स्ट्रा करूँ उसके लिए, तो आपने वही चीज बोला था नोट्स देखिए उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो मैं फिर से नोट्स ही पढ़ा था। देन उससे नोट्स से ही बहुत कुछ सब कुछ, आप पहले तो सबसे मेन मंत्रा इज नोट्स, अगर आप नोट्स अच्छे से करते हैं तो आपको बुक्स अच्छे से समझेगा, आपको कंसेप्ट फुल क्लियर रहेगा, तो आपको कोई समय नहीं लगेगा और ऐसा कोई मतलब बैरियर नहीं आएगा कि हम आगे अभी क्या करें। तो उसके बाद मैं चीज बताना चाहूंगा कि हीट ट्रांसफर के लिए हमने कितने लेक्चर लिए थे? यस सर काफी 50 अराउंड 45 टू 50 अबाउट 50 भी 50 यानी करीब करीब 45 टू 50 120 आवर्स अराउंड 120 आवर्स ना। तो अब 120 आवर्स बहुत ज्यादा होता है, अब 120 आवर्स में और मेरा तो 3 घंटे का लेक्चर मतलब ज्यादा ही होता है, 3 घंटे भी बहुत ज्यादा होता है। यस सर। हाँ मोहन यू आर सेइंग समथिंग। On Sundays, you took around 5 hours, 6 hours also. On Sundays, 6 hours also there. But after reading heat transfer, like after, when you started fluid mechanics, it will be like fluid mechanics, because most of the fluid mechanics is covered in the heat transfer. Yeah. Hassan, कैसे prepare किया तुमने और कोई बुक फॉलो किया या कैसे किया? नहीं हसन ने अभी हसन से एक पार्ट अभी पूछना बहुत ही जरूरी है, हसन से किस किस टाइप के क्वेश्चन रेजेस हुए वो हसन ने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा हसन की एक खास बात है, बहुत ही प्रिसाइज लड़का है, मतलब बहुत ही शांत काम और मतलब प्रेशर भी, उसका पेपर खराब हुआ था मुझे मेरे पास आया था पेपर देने के बाद से एकदम काम, सर ये भी गलत हो गया सर। सर हसन यू आर फ्रॉम व्हिच प्लेस? कोलकाता। अच्छा वैसे तो कोलकाता थोड़े से शांत मिजाज के होते भी है। लेकिन सर ये ज्यादा शांत है, गलत हो गया बोला सर ये भी गलत हो गया ये तो लग रहा है। अच्छा। ये भी गलत हो गया, चलो भाई मतलब बहुत काम से, ऐसा नहीं कि एकदम पैनिक हो गया है, बहुत काम, बहुत इट वाज नाइस जेस्चर। हसन तो कैसे प्रिपेयर किया? हाँ तो सर जैसे कि सबसे पहला यही रहता है कि जो आपने पढ़ाया ठीक है उसको अगर किसी ने पढ़ लिया तो मोर देन इनफ रहता है, लेकिन फिर भी मन में रहता है जैसे बाकी आईओ स्केल हो, जैसे मैंने पिछले साल आईओ स्केल का भी इंटरव्यू किया था, तो आपका नोट जो है मोर देन इनफ रहता है बाकी पीएससी के लिए, लेकिन अगर बार को रखते हैं माइंड में तो फिर मन में ख्याल रहता है कि यार पढ़ तो लिया है लेकिन कहीं आउट ऑफ बॉक्स कहीं से ना आ जाए, मतलब साइंटिफिक पोस्ट है कहीं कुछ और ना जाए, तो बस पढ़ लिया तो बुक खोलेंगे तो वही दिखेगा जो आप पढ़ाया है ठीक है, एक जगह है, हमने दो बुक फॉलो किया आपके एक नोट्स काफी है उसके लिए, तो मैंने एक्चुअली मैंने सिर्फ नोट्स फॉलो किया था और मेरे पास इनकम्प्लीट नोट्स था, तो
जो पार्ट नहीं था मेरे पास उसके लिए मैंने जैसे आपका पोर्शन से मैच करा, तो एक बुक से नहीं है, तीन चार बुक से, तो बहुत दिक्कत होता था, लेकिन फिर भी सीनियर्स के नोट्स से फॉर बार प्रिपरेशन मैंने पहले नोट्स किया, उसके बाद सोचा कि ठीक है अगर खुद को सेटिस्फाई करना है तो स्टैंडर्ड बुक जो है ही और फ्लूइड के वो मैंने पढ़ लिया था। अच्छा हसन, फर्स्ट टाइम तुमने कब प्रिपेयर किया था क्वेश्चन? 2020 में मेरा इंटरव्यू में कॉल आया था, तो उस वक्त नहीं, मैंने ये कब यहां पे दिल्ली कब आए थे सर? 2019 में सर। हाँ अब देखो ये बहुत ही हाँ ये बहुत ही बड़ी बात है, 2019 में तैयारी किया, 20 में फेलोर देखा, 21 में फेलोर देखा, बट फाइनली एक दिमाग में था कि करना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के यूथ के पास ना पेशेंस नहीं होता है कि यार मैं कई बार मैसेज देखता हूँ कि सर इस बार नहीं हुआ तो आई जस्ट वॉन्ट टू स्विच टू SSC एंड CAT की तैयारी कर लें, MBA की तैयारी कर लें या कुछ और बैंकिंग कर लें, है ना? तो ये सारे खिलाफ तभी आते हैं जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सबसे पहली बात जैसे तुषार का था, तुषार का भी ऐसा ही कुछ इंटरव्यू था, उसने कुछ बहुत ही पहले ये था कि हाँ मुझे करना है, बट बाद में फेल्योर देखते देखते उसका भी माइंड डाइवर्ट हो गया, उसके बाद फिर फाइनली तुषार ने जो है अच्छा किया। तो मेन क्या है, मैंने अभी तक देखा है कि जैसे टारगेट फिक्स हो, हमें करना क्या है, जैसे कि राकेश ने बताया कि जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग लिया तो पहले जाके मैं HOD से मिला कि मुझे गेट करना है, तो ये चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है। और जैसे राकेश क्या है, राकेश कई बार मुझे मैसेज करता है कि आपसे पूछिए, इतनी बार इसने मैसेज किया है इतनी बार, बट आई हैव रिस्पॉन्डेड एज मच एज पॉसिबल, क्यों राकेश क्या बोलोगे? यस सर, एग्जैक्ट। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में मैं हेजिटेट करता था आपको मैसेज करने के लिए कि मैं कैसे मैसेज करूं, हमारा छोटा छोटा डाउट सर क्या बोलेंगे, बट आफ्टर 2021 आपसे बात करने के बाद जो फर्स्ट टाइम कॉल पे बात किया तो ऐसे लगा कि हमें इतना इंटरेक्शन करना चाहिए था फर्स्ट ईयर में ही। तो सेकंड टाइम मेरा छोटा भी डाउट होता था, भले ही कोई आप डांटे, एक आपको मन में रखना होगा कि हमें डाउट क्लियर करना है, और ये आपने क्लास में भी बोला था कि हमें हमारा डाउट क्लियर करना है नो मैटर वॉट। अगर आपका अगर वो सर थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि हम सर बिजी होंगे, आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, कॉल कीजिए, अगर नहीं रिस्पॉन्ड करे तो बाद में वो पक्का तुरंत मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जैक्टली वही चीज जो आपको चाहिए थी, और आप वो 10 जगह ढूंढ कर आपको वो एक ही मतलब प्रदीप सर को मैं मैसेज करता था और वो सोल्यूशन मिल जाता था। और अभी ये पॉइंट पर क्या करना चाहिए था, मैंने क्लास में कई बार बोला है कि अगर आपको मैं डांटता हूँ तो आप उस चीज को ईगो पे मत लेना, आपको सीखना है, आपको मुझसे काम निकालना, आप मुझसे काम निकालो, बात खत्म करो। एक बार मैंने आपने मैसेज किया, मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया, दोबारा आप मैसेज करो, सर आपने बताया नहीं, दोबारा मैसेज करो। मैंने स्पेशली ये बोला था मैं जोक पे ही कि गर्ल्स जो है ईगो पे लेती है कि अरे सर ने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि गर्ल्स हो या बॉयज हो सकता है कि मेरे पास टाइम ना हो, बट अगर आपको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो आप 2 दिन बात करो, 3 दिन बात करो, सर आपको मैंने मैसेज किया था आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो डेफिनेटली मैं उस पर कॉल बैक करके मैं मैसेज के थ्रू चीजों को क्लियर करना नहीं अच्छा समझता हूँ, मैं कॉल के थ्रू ऑडियो मैसेज भेजते थे मोस्टली हाँ, कि ऑडियो मैसेज पे या मुझे कॉल कर लो, मैं टाइमिंग देता हूँ, आप इस टाइमिंग पे आप कॉल कर लो, तो ये सब चीजें। हसन तो काफी फेमिलियर है, जानता भी है मुझे, सामने देखा है, तो सर वन थिंग इज लाइक सर वन थिंग आई लर्न फ्रॉम यू इज दैट गोइंग फॉर अ रनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग सर, लाइक आफ्टर सीइंग योर स्टेटस आई स्टार्टेड गोइंग फॉर रनिंग। ओके, यू आल्सो स्टार्ट रनिंग, ग्रेट। एंड मी आल्सो सर आई हैव स्टार्टेड साइकिलिंग आफ्टर, मींस आपका स्टेटस देखते थे कि रनिंग 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, तो ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा एक्टिविटी की जाए, क्योंकि हम अगर पढ़ रहे हैं एक ही जगह बैठ रहे हैं तो हमारा थोड़ा बैक पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सो हमें थोड़ा एक्सरसाइज करते, तो मैं साइकिलिंग भी स्टार्ट किया था वही चीज में, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपका एक्सरसाइज एंड ब्लड सर्कुलेशन आपका, और आप हमेशा एक कॉन्सेंट्रेट करते थे एक चीज पर कि आपका डाइट शुड बी वेरी प्रिसाइज और डाइट आपका अच्छा होना चाहिए, तो वही चीज मैं मतलब जब प्रिपरेशन के फेज में डाइट एंड एवरीथिंग सब एकदम बेस्ट था, और वो आपसे ही सीखते थे हम कि आप 4 किलोमीटर सर रहकर मतलब सब ये पोजीशन पर रहकर आप 4-5 किलोमीटर अगर भाग रहे तो हमें तो उतना थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, तो मैं फिर साइकिलिंग का आपका स्टेटस भी इंटर में तो मैं आपके पीछे ही दौड़ता था, आप आगे ध्यान से के सर के पीछे हां दिल्ली में जी, तो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, और ये चीजें हमेशा याद रहेंगी, ये कभी नहीं भूलेंगी।
ये ऐसा मोमेंट है कि हमने क्लासेस किया, फिर किसी के थ्रू, चलो मैं स्टेटस पता क्यों डालता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार तुम दौड़ते हो तो क्यों दिखाते हो स्टेटस, मैं कह रहा हूँ मेरे से कोई मोटिवेट होगा ना यार, मोटिवेशन आता है exactly. और सेकंड थिंग मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अगर आज दौड़ा हूँ 4 किलोमीटर ना तो मैं डाल दूंगा ताकि कल को बोलेगा, कल को सामने वाला मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि यार तुमने आज भी दौड़ा तो मैं ठीक है अभी आज भी दौड़ूंगा, मैं आज ही दौड़ूंगा exactly. तो मैं ऐसा मैं फील करता हूँ कि यार ठीक है ये चीजें हर जगह होनी चाहिए, केवल दौड़ने में नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप चीजें कर रहे हो तो शेयर करो, इसलिए नहीं कि आप दिखा रहे हो, इसलिए कि आपसे कोई मोटिवेट हो ना? और कहीं ना कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर मैं डालता हूँ स्टेटस आपको लगता होगा यार हम क्या कर रहे हैं यार, वो तो सर दौड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, हम तो एग्जैक्टली यही सेम थॉट आता था सर। हाँ एट उस मोमेंट पे तो लगता होगा यार बताओ हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं, सर दौड़ रहे हैं यार हम भी दौड़ेंगे इससे कम है क्या, है ना? तो सेम फीलिंग मुझे आती है जब कोई स्टूडेंट अगर, एक बार मैं बताऊँ 2019 की ये इंसिडेंट है, एक लड़का था हाँ उसने वो डाल दिया, साउथ का लड़का था बेंगलुरु का, उसने डाला कि 10 किलोमीटर दौड़ाया 10 किलोमीटर, तो मैं मेरे ईगो पे आ गया ऐसा कैसे हो गया, तो ध्रुव आई थिंक ध्रुव था, हाँ ध्रुव 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 याद आ गया तुमको ना, यस सर, तो मैं अगले दिन हाँ 12 किलोमीटर दौड़ गया और मेरी तबीयत खराब हो गई ठीक है आप क्लास में बताए वो दिन शायद, हाँ मैंने क्लास में बताया था, लेकिन ठीक है एक तबीयत खराब हुई लेकिन अंदर से आया कि नहीं यार मैंने बीट किया है, सैटिस्फाइड थे तो ये चीजें होनी चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। तो संदीप अभी, यस सर, हाँ अभी आप BRC में हो और ये बच्चे अभी जस्ट सेलेक्ट हुए हैं, तो इनके लिए कुछ आप क्योंकि इनके सीनियर हो गए आप, यस, तो कुछ इनको गाइडेंस दो, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? एक्चुअली हम जब ये दिस टाइम जब हम इंटरव्यू देने गए थे तो हम संदीप भाई के मींस रूम पर भी गए थे, तो उन्होंने वही चीज बताया था कि हमें हमारा एक्सपीरियंस के ऐसा ऐसा इंटरव्यू, जैसा मेरा इंटरव्यू के बाद ही हम गए थे, तो वैभव और वैभव का एक्चुअली 3 तारीख को था एंड मेरा फर्स्ट 1 तारीख को था, तो वैभव थोड़ा जल्दी आ गया था 1 दिन पहले, तो फिर हम मेरा इंटरव्यू फर्स्ट के बाद 2nd को हम मिलने गए, तो फिर इनको ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू था, फिर जो आपने पॉइंट एक चीज बोला था कि 2-3 बार भी BRC का इंटरव्यू देने पर हो रहा नहीं है मींस कैंडिडेट का कोई फिजिक्स का, तो इन्होंने बताया था संदीप भाई उनको, उन्होंने समझाया था कि आपका क्यों हम आपको ले नहीं रहे हैं, मींस वो क्या देखते हैं वो पॉइंट, मींस वो समझाया था, तो बट वो पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, देने के बाद तो ऐसा लगता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन में अटक रहे हैं, और अटक मीन्स लास्ट पे ऐसा पॉइंट आता है कि वो इतना हाई लेवल या फिर वो पॉइंट तक ले जाते हैं कि आपको वो आप आंसर नहीं कर पाओगे और फिर आपका सब्जेक्ट चेंज होता है, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं बाहर आकर हम वो सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारा इंटरव्यू हो चुका है खराब, बट हम वही क्रॉस क्वेश्चनिंग वो देखते हैं कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग पे कैसे आंसर कर रहे हो, और मीन्स मैंने तो एक बार मेरे इंटरव्यू में एक बार चीज नोटिस किया था कि जैसे सर अजम्पशंस मैकैथिली मेथड के अजम्पशंस उन्होंने पूछा, तो मैं जो अजम्पशन था एग्जैक्टली मैं वो बताता था, तो वो बोलते थे ठीक है और बताइए, ठीक है मींस जो जो हम बताते जाएंगे आंसर वो और आपको डिक करते जाएंगे अंदर, और जैसा कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमने एग्जैक्टली सही भी आंसर दिया हो तो उन्होंने बोला ठीक है फिर ये नेग्लेक्ट कर हम क्या करेंगे आगे बताइए, सेकंड में थॉट क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ, तो वो ऐसा सोच सकते थे कि आप कितने वेज से वो पॉइंट को आप सोच सकते हैं कि मींस ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कितने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसा तो नहीं आप रट के आए हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली रट कर आए, एक ही तरीका आपने बोल दिया और हो गया वो ये चीज एकदम मींस नोटिस करते और वो चीज, तो और एक्चुअली मुझे प्यास भी लगी थी इंटरव्यू के अंदर में, तो मैं बोला था कि सर कि कैन आई ड्रिंक वाटर, तो फिर उन्होंने बोला था हाँ, तो फिर वो जो ग्लास ऑफ वाटर था वो एक्चुअली थोड़ा मींस झूठा हुआ ग्लास था, तो फिर मैं वो उठाने लगे तो एक्सट्रीमली सॉरी बोले, उन्होंने 3 बार मुझे सॉरी बोला, और वो ये भी जज कर रहे थे कि मतलब मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, तो मैंने सर मैंने कैजुअली उनको जैसा एक्चुअली 2021 में ऐसा बहुत सोच कर गए थे कि BRC बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है, बहुत हार्ड इंटरव्यू होता है, तो उसमें वो चीज में हम ये मेन कॉन्सेप्ट और बेसिक्स हम नेग्लेक्ट कर देते, बट ये बार मैं ऐसे कहता था कि जो हम है हम जो नेचुरली है हम नेचुरली बोलेंगे और नेचुरल रहेंगे, तो वही चीज मैं फॉलो किया और उनको सर, तो उन्होंने फिर उसके बाद सेकंड टाइम भी मुझे लगा तो उन्होंने खुद ने लास्ट का ये बात है CRE तब चल रहा था, तो उन्होंने खुद ने उठकर मुझे पानी सर्व किया, मींस आप ड्रॉ करिए बोलिए,
उन्होंने बोला था एमटी का क्वेश्चन चल रहा था, मैकेप थे लेकर आई, तो उन्होंने मैं ड्रॉ किया और उन्होंने खुद सर्व किया था, तो मैं थैंक यू सर बोला। तो वो छोटी छोटी चीज देखते, जैसा मैं वहां पर जब ड्रिंक पानी पी रहा था तो मेरा हाथ जो है वो डायरेक्टर सर ऊपर से नीचे ऐसा देख रहे थे, तो मैं वो चीज भी नोटिस किया कि सर देख रहे, किसी का हाथ शिवर करता है अगर आप नर्वस हो तो वो ये चीज नोटिस करे कि ये नर्वस है क्या चीज। तो वो पॉइंट भी एक मैं मेरे इंटरव्यू में नोटिस किया था, पता नहीं मतलब बाकी सबके इंटरव्यू में, बट मेरे इंटरव्यू में ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं चीज नोटिस किया था। चलो संदीप ने मतलब काफी हेल्प किया तुम्हारा। यस सर एग्जैक्ट, और ये काफी मतलब अच्छा है, ठीक है। मैं इसीलिए ये सेशन या कभी भी मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे अच्छे जगह पहुंच चुके हैं कम से कम अपने जूनियर्स को जो केमिकल इंजीनियरिंग में है, हमारी फील्ड बहुत ही लिमिटेड है, बट वी शुड शेयर। हम अगर अच्छी जगह पहुंचे हैं तो हम नॉलेज को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें ताकि और लोग तक पहुंचे, और लोग जो छोटे जगह से हैं या जिनको नहीं कॉन्फिडेंस अपने आप पे, उनको कॉन्फिडेंस आए और चीजों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। और एक सबसे पहली बात, मैं केवल टीचिंग करना, मैं केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं बच्चों के अंदर डिसिप्लिन ज्यादा सिखा पाता हूँ कि कैसे आपको डिसिप्लिन रहना है और कैसे एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। आप कहीं भी हम्बल रहो, बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप पहुंच गए अच्छी जगह पे तो आपके अंदर ईगो आ गया, ये सब चीजें आपको एट द एंड वो ह्यूमैनिटी मतलब आपके पास कितना नेचर आपका कैसा है वो मैटर करता है एग्जैक्ट, ना कि आपको कितना आता है एंड कितना आप कौन से लेवल पर है, बट आपका नेचर क्या है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और ये मैं आपसे सीखा सर। और इस पहली बार देखो ये संदीप आखिर में आप EII के थ्रू ही जानते होगे संदीप को, है ना? यस सर, यस सर। और आप गए, आपको उसने हेल्प किया, ये काफी अच्छा है। और ऐसा ही मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप कोई जूनियर ऐसा भी किसी के थ्रू अगर जाता है तो आप यू शुड हेल्प एज मच एज पॉसिबल। श्योर सर, श्योर। एंड एट लीस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास कोई भी कुछ पूछता है ना तो दे शुड हैव ऑब्वियसली दे हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, है ना? यस सर। अब सारे लोग अब हमारे एलुमनाई हैं तो आने वाले जो भी फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं किसी भी वे में अगर हमारे से आपसे अगर कनेक्ट होते हैं तो वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट कि व्हाटएवर द पॉसिबल वे वी कैन हेल्प देम कि वो आगे उनके लिए जो भी डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा इजी हो सके। हाँ, और हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली और ये बहुत ही ग्रैंड अचीवमेंट है अगर देखा जाए कि आउट ऑफ 16 में अगर 4 to 5 स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट होते हैं तो दैट्स वेरी नाइस, है ना? और कंटिन्यूस हम लोग एफर्ट करते हैं और अच्छा हो, जैसा कि तुषार आप लोगों ने किया, संदीप ने किया। तो संदीप कुछ बच्चों को अपना कुछ एक्सपीरियंस देना चाहोगे? यस सर, यस सर। पहले अगर बात करें कि प्रिपरेशन जर्नी की तो इन लोगों ने जो बताया रिलेटिवली बिल्कुल सेम ही है, जो आपके नोट्स हैं एक्सटेंसिवली बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे सर मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है लिटरली, अगर मैं बताऊं अपनी बात तो मैंने सिर्फ आपके नोट्स पढ़े हैं, बट लेकिन मैंने नोट्स का रिवीजन कई बार किया है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स मैंने नोट्स को कई बार पढ़ लिया था आपके, तो उनसे ऐसा कुछ बचता नहीं है कि उनके बाहर से कुछ चला जाए, क्योंकि आप पहले इतना कंटेंट ला रहे हैं डिलीवर जब करते हैं तो वो 2-3 बुक्स को लेके आप आ रहे हैं एक साथ, तो हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स जो मारने हैं वो कम हो जाते हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात। और सर दूसरा, फॉर पर्टिकुलरली BRC की अगर बात करें तो कोरा पे क्वेश्चंस होते हैं सर प्रीवियस ईयर के, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे केस में वो रिपीट हो जाए, बट लेकिन वहां से जो आपका एक अप्रोच बनता है क्वेश्चंस को लेके, जो माइंड सेटअप बनता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मुझे कैसे आंसर करना है, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है करने। अगर आप उन्हें अटेम्प्ट कर लेते हैं, अगर आंसर भी नहीं निकल रहे हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कैसी डायमेंशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली। आप उनको अच्छे से टैकल कर पाओगे। और मैं बताऊं, जब मैं गेट की प्रिपरेशन मैंने फर्स्ट टाइम जब गेट दिया था मैं खुद, तो मैं बुक से नहीं, मैं पहले कॉन्सेप्ट था मेरे पास, बट जब मैं क्वेश्चंस को एनालाइज किया ना तो क्वेश्चन के थ्रू मैं देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सबसे पहला कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन की एनालिसिस करो, क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशन में सोचो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है गेट में तो और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन जैसे आपने बोला, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप BRC तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ लो, नोट्स को पढ़ लो, फिर देखो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं
उनको अटेंड करो और देखो कि तुम कितने कहां तक पहुंच पा रहे हो. अगर नहीं पहुंच पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यू शुड गो फॉर सोल्यूशन. बट उस सोल्यूशन से देखो कि मैं लैग कहां कर रहा था, मेरा कॉन्सेप्ट कहां वीक था. ये ज्यादा हेल्पफुल होता है. यस सर. तो वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपको अटेम्प्ट करने, क्योंकि अगर आप ऐसे ही अगर आ जा रहे हो उठ के और सोच रहे हो कि इंटरव्यू में मैं फेस करूंगा, आपको डिफिकल्टी हो सकती है, कई बार क्वेश्चंस नहीं मिल. ऐसा जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आप पढ़ के आए हो, बट लेकिन आप तैयार हो, एक मतलब टेम्परामेंट है तुम्हारे पास क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए. और जो जरूरी चीज है कि आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को. जैसे क्वेश्चन पूछा, आपको लगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने छोड़ दिया, सॉरी सर मुझे नहीं आता, तो वैसे बिल्कुल नहीं करना है. आपको एफर्ट्स तो मारना है, एटलीस्ट बेसिक्स पे जाओ, ट्राई करो. और होता क्या है, जैसे ही आप आधा क्वेश्चन बताओगे, सर हिंट देंगे उधर से कि ऐसा कुछ है, वैसा कुछ पढ़ा है, तो धीरे धीरे वो चाहते हैं कि आपके अंदर से ही आए आंसर. वो तो आंसर नहीं बताएंगे, बट लेकिन एफर्ट्स आपकी को लगाने. तो अगर आप वो प्रीवियस ईयर ट्राई कर रहे हो, तो आपके अंदर टेम्परामेंट है कि एक बार में नहीं आ रहा, दोबारा दूसरी डायमेंशन में सोचते हैं, तीसरी डायमेंशन में सोचते हैं, तीन चार में तो आ ही जाएगा आंसर आपका बाहर. तो ये बहुत जरूरी है. और नोट्स जरूर पढ़ लो, क्योंकि एकदम से, क्योंकि बहुत से, जैसे अगर हम बीटेक में पढ़े तो सर केमिकल इंजीनियरिंग में कांस्टेंट वॉल फ्लक्स ये सब पढ़ाते नहीं है, हीट ट्रांसफर में डिजाइन कर लेते हैं, बट लेकिन ये जो स्पेसिफिकली आपने पढ़ा कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल फ्लक्स, ये पढ़ाते नहीं है. तो ये वहां पे पूछा भी गया है, हमारे केमिकल में भी पूछा गया है. तो अब ऐसे ही अगर आप चले जाओगे तो नया क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, और एकदम से प्रेशर में सोचना काफी मुश्किल हो जाता है. और सर अगर रिटन की बात करें तो रिटन में तो ज्यादा हार्ड है नहीं. रिटन तो गेट के प्रीवियस ईयर वन मार्कर बहुत कई बार रिपीट होते हैं, और बेसिक्स पूछता है, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछेगा, बेसिक में पूछेगा. बट और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, जैसे मोहन ने बार बार कहा कि उसने मिस किया है. तो एक्चुअल में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था सेवन सेम में सेल्फ स्टडी, तो मैंने भी ईआईए की टेस्ट सीरीज ली थी अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ. तो हम लोग के पास कुछ नहीं था, ना हमारी कोई गाइडेंस थी, हम लोग आपस में ही डिस्कस करते थे, तब कनेक्ट भी नहीं हुए थे किसी से. तो टेस्ट सीरीज ही हम लोग एक्चुअल में, मैंने तो पूरी प्रिपरेशन ही अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग में की थी, कि टेस्ट सीरीज करता था, मेरा जो क्वेश्चन अटका मैं पढ़ लेता था उस टॉपिक पर जाकर. एक बार तो पढ़ लिया था सिक्स सेम तक, बट लेकिन जहां अटक रहे हैं फिर जाके पढ़ लो और रिफाइन कर लो और रिफाइन कर लो. तो सेवन सेम में वैसे प्रिपेयर किया मैं, एट सेम में आके फिर जून जुलाई में आपसे इंटरेक्शन हो ही गया था सर, तो फिर बीआरसी हो गया उसी टाइम पे. और इन लोगों के लिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर, तो इनको तो अभी ज्वाइन करने से पहले बात हो रही थी, तो मैंने बताया बहुत अच्छा है और डिमांडिंग जॉब है सर, थोड़ा आपसे डिमांड भी करते हैं ये लोग कि आप एफर्ट्स मारो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा सर, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, तो पढ़ना पड़ता है ये तो है. बट लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है आपको, मतलब ऐसे कोई किसी भी टाइम पे फोन करके नहीं बुलाता है कि अच्छा आ जाओ ये कर दो वो कर दो, एकदम आपके फिक्स टाइम है, आपकी जॉब है, अच्छी जॉब है, लोकेशन अच्छे हैं. केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता होता है कि जैसे जो मैरिट बनती है यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में आने के बाद, तो उसके हिसाब से फिर आपको डिविजन्स मिलते हैं. जैसे अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो जो एग्जाम्स होते हैं उनकी मेरिट बनती जाएगी धीरे धीरे, और एंड में जो वैकेंसीज आएंगी, तो जो सबसे ऊपर होगा उसको बोल दिया जाएगा कि आप किसी सारी वैकेंसी में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, फिर जो सेकंड पे होगा उस पर एक कम चॉइस होगी. तो ऐसे डिविजन्स मिलते हैं, ऐसे रेंडमली नहीं मिलते, एक अच्छा उनका एक तरीका है जैसे वो डिविजन्स बांटते हैं. और मैं तो तुषार सर से ही कनेक्ट हूँ सर, जब मेरा हुआ था यहाँ पे तो उनका फिफ्थ फ्लोर पे रूम था शायद, तो वो आए हुए थे और प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आए थे बीआरसी के ही. तो मेरा दोस्त था फिफ्थ फ्लोर पे, तो उसने देखा केमिकल का कौन बंदा है, उसने मेरे को कॉल लगा दिया. तो मैं गया सर के पास, और सर पहला इंटरेक्शन हुआ था मेरा, एकदम इतने फ्रैंक है सर, ऐसे बात कर रहे थे कितने पहले से जानते, एकदम ऐसा अनकम्फर्टेबल फील नहीं रहा. और इन लोगों ने तो मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा बात की है बाकी यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं. यस सर. और अभी बात होती है, अभी फिलहाल वो बॉम्बे में आए हुए भी हैं, तो अब मिलेंगे उनसे सर से. वो तो बहुत गाइड करते हैं, स्टेटस भी डाला हुआ था कि अभी गोइंग टू बॉम्बे मुंबई. हाँ हाँ हाँ.
और उनका नेचर मींस ऐसा लगता है हमें कि इतना कंफर्टेबल वो कर देते हैं, और उनका ऐसा लगता है कि उनको सुनते जाए, और वो जो बताते हैं वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट उनका एनालिटिक्स इज टॉप नॉच। और उन्होंने फर्स्ट ईयर आफ्टर कुछ भी मैं डाउट रहता था, मैं उन्हें छोटे छोटे पूछता था, वो एवरी टाइम रिस्पॉन्ड करते थे सब कुछ। अभी भी सर जो रिजल्ट आया तो उन्होंने, उनको मैं मैसेज किया तो उन्होंने मेरा कॉल वेटिंग पर आ रहा था, उन्होंने कॉल कर बोला कि मैं तुझे मतलब मींस आगे का कैसा प्रोसीजर होता है वो फ्री होके आराम से हम बात करेंगे। तो वो इतने हेल्पफुल है कि आप बहुत एक्सपेक्ट, और वो बोल रहे थे कि नागपुर से, सेम मैं भी नागपुर से और वो भी नागपुर से, तो थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है उन्हें, तो मतलब बहुत अच्छा लगा वो। चलो एक मिनट तुषार को भी लेता हूं, एक मिनट तुषार को भी लेता हूं, ठीक है? यस सर, यस सर। तो ज्यादा मजा आएगा फिर तो, किसी को बोले देगा, किसी को बोले देगा नहीं वो। तो मोहन, यस सर, तो ऑलरेडी तो मेरे पास 10 CGPA रैंकर तो है ही है, 10 out of 10, कोई दिक्कत है नहीं इसको। तो मोहन, would you like to say any suggestions to the upcoming students? Sir, follow the classes regularly, sir. Like if you are pending, like it will be burden, and then follow the class regularly, do revision. Have a give an amount number of tests, it is around 30-40, like then it will be helpful. And not mugging up the formulas, you have to learn the concepts in the class itself, like then it will be easier to get good marks. Mohan, you will not suffer any problem because too many alumni of EII are there in the VRC, like Tushar is there, Sandeep is there, Kanishk is there. Nah, and if you go from 2016, this series is coming continuously. Nah? Yes, so sir. You can yes, contact sir. I watched Tushar interview around 5 times. Around 5 times. 5 times, okay. You can also, I will connect one. I have already taken one session with Mr. Manoj Udasi. He was from batch of 2016. He is very senior. So you can also, one day I will try my best to connect him also. So yes. That's all very good, very nice. And और हमारी तरफ से और EII की तरफ से आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और यू शुड बी ऑलवेज कनेक्ट विद अस एंड ट्राई टू हेल्प टू योर जूनियर्स, एंड इफ एनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ अस, यू शुड प्रोवाइड द हेल्प एज तुषार इज डिलीवरिंग, एंड ऑल्सो द सेम हैज बीन डन बाय संदीप ऑल्सो, देन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो। Where is Mr. एक कोई गैप हुआ है, कौन? राकेश? Yes sir, I am here. Yeah, राकेश. हसन कहाँ गया? हसन is not here. हसन is not here. हाँ तो राकेश, okay, don't worry. Yes sir. राकेश क्या बोलना चाहोगे? जो अपकमिंग तुम्हारे कलीग्स हैं जो नहीं कर पाए और जो आने वाले बैचेस हैं, तो अभी तक तुम लोगों का इंटरव्यू देख रहे थे और आज तुम इंटरव्यू दे रहे हो, है ना? मैं वही, अभी कैसा फील हो रहा है सर? वो ये नेक्स्ट, अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था, कल ऐसे लग रहा था कि बस वर्ल्ड घूम रहा है और बस मेरा माइंड एक जगह पे ऐसे बैठे रहूं, और ऐसा यकीन नहीं हो रहा था सही में कि मीन सिलेक्शन इतने बड़े जहां पर हम ड्रीम किए थे। और आपने पूछा था कि मतलब BRC का कैसा समझ में हमें पता चला, तो एक्चुअली पहले ऐसा हम गेट के प्रिपरेशन में ऐसा आया था ना कि PSU में हमें जाना है। मैं आपको बोला भी था फर्स्ट इंटरेक्शन जो मैसेज किया था, सर मुझे PSU एम है और PSU चाहिए, सो उसके लिए आगे प्रिपरेशन करना है। सो फिर आपने वही बोला था फॉलो करते जाइए, और मैं आगे जो आने वाले उन्हें बस ये गाइड करना चाहूंगा कि आपके पास गाइडेंस रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि सब कुछ करना है, बट कौन से पॉइंट पर क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या क्या करते हो, सब कंपाइल कर कौन से पॉइंट पर क्या करना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये मुझे सर, मीन्स प्रदीप सर, EII का नाम अगर हम किसी को भी बोलते हैं EII का नाम, तो पहले प्रदीप सर का नाम आता है कि हाँ प्रदीप सर के स्टूडेंट्स है, और प्रियांश सर, मीन्स मैं 10-15% ओनली सर लेके आया था कि केमिकल इंजीनियरिंग मुझे आती है,
बट मैं जब EII ज्वाइन किया, जब फर्स्ट ईयर कोचिंग देन कोचिंग किया, तो मोर देन मतलब थोड़ा आ जाता है अभी कि ये इतना कुछ हो गया है तो समझ में आ गया था, और हीट ट्रांसफर तो फेवरेट सब्जेक्ट बन ही गया था. सो बट आपको गाइडेंस के लिए जो आपने गाइडेंस प्रोवाइड किया, मैं हर एक पॉइंट पर आपको पूछता था तो आप एग्जैक्टली सेम चीज बताते थे जो मेरे दिमाग में चलते रहता था. जैसे मैं आपको बोलता था, आपको याद भी होगा कि प्रीवियस ईयर सर लग रहा है अभी सॉल्व कर लूं या मैं रिवाइज कर लूं, नोट्स 10 डेज है, तो आप बोलते थे हाँ एग्जैक्टली वही करिए, और वो फॉलो कर एकदम आगे फिर अच्छा रैंक, मीन्स ये बार 227 डिसेंट रैंक एक आ गया था. सो मैं उन्हें यही बोलूंगा कि आपके पास अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो बट आप अगर फर्स्ट टाइम बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट आप कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग में भी सबसे बेस्ट चीज EII, ये विदाउट एनी डाउट अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन EII, और उसके बाद अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो जैसा BRC क्रैक करने के लिए, मीन्स उसका इंटरव्यू, तो आप बुक्स जब पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि इतने जल्दी समझ में आ रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट ही इतना क्लियर है. तो आप थ्योरी, जैसा थ्योरी के लिए मैं सर आपको भी बोला था कि कैसा बुक्स पढ़ने का वे क्या होता है, मीन्स हमें पहले उतना अच्छे से नहीं समझ में आता था, बट आपने बोला था थ्योरी के लिए तुम रेफर कर सकते हो, तो थ्योरी पढ़ते जाओ तो आपको क्लियर होते जाएगा, फिर उसका थोड़ा शॉर्ट नोट्स लिखते रहो. सो सब कुछ जो गाइडेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका मेहनत तो है ही, और मैं आपको बोलता था सर कि मीन्स थैंक यू सो मच, तो आप वही बोलते थे कि तुमने जो मेहनत किया है उसका फल है. बट एट द लास्ट, और मैं बोलना चाहूंगा कि माय मदर शी ऑलवेज सपोर्टेड मी, मीन्स मेरे मैं ड्रीम करता था, मीन्स पहले तो ऐसा था सर कि मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, और मैं जब उनको हमारा ड्रीम बताता कि सर इतने ऊपर जाना है, इतना मतलब ये सब चीजें करना है, तो वो बोलते थे कि थोड़ा अभी मतलब जो कॉलेज में लेवल मतलब थोड़ा बहुत कर लो तो अच्छी बात है, बट मैं बोलता था नहीं, अभी बहुत ऊपर लेवल तक जाना है और पहले से आप में जुनून होना चाहिए, अगर आप में जुनून हो तो 100 एक्सक्यूजेस रहेंगे बट आप वो चीज कर ले जाओगे. बट आपके पास थोड़ा एक्सक्यूज के लिए अगर रूम होगा, आप एक भी एक्सक्यूज को एंटरटेन कर लिया तो आप फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो वही चीज मैं मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, माय सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दे ऑलवेज, दे बोथ आर हेडमास्टर, मींस रिटायर्ड प्रिंसिपल, सो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, सो दैट्स व्हाई मतलब मैं ये चीज कर पाया. एंड जो मैं जिनके साथ डिस्कशन करता था, वैभव मिश्रा, वो उनका उनसे मेरा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था, अभी फिर से जो इंटरव्यू देने गए थे बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था. देन स्वाति, उससे भी डिस्कशन करता था, सो वो बहुत चीज क्लियर होती थी, एंड सर से भी पूछते रहते थे कि मींस अभी ये पॉइंट पर ये करना चाहिए, तो उसके बाद बहुत सब चीजें क्लियर हो चुकी है. बट अगर आपको आगे गेट अच्छे से करना है और BRC भी करना है तो आप और कोचिंग ज्वाइन करना है तो EII इज द बेस्ट कोचिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं 2 साल सर्च किया था सर, 2 साल में एवरी कोचिंग मींस ईच एंड एवरी कोचिंग जो वो कोचिंग ज्वाइन कर वो पास आउट होते थे, मैं उनसे भी कांटेक्ट करने का कोशिश करता था कहीं से कि बात हो जाए कि हमें पता चले, तो मुझे सब जगह से ये चीज पता चला था कि EII के जो फिर प्रदीप सर आपका नाम सुना था, तो फिर जब लेक्चर्स करते गए तो फिर मैं आपको बताता एवरी लेक्चर के बाद ऐसा लगता था कि कुछ अलग लेवल का हमने पढ़ लिया है, और अच्छा फीलिंग आता था. फीलिंग आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ लिया बट अगर फॉर्मूला रट लिया तो कुछ नहीं होगा, और हमें समझ कर पढ़ना है, ये सर आपसे ही सीखा है, तो दैट्स इट. और मैं ये आपको मैसेज में हर टाइम बोलता हूँ कि आपके हर एक लेक्चर के बाद कुछ नया चीज समझ में आता है. और मैं कई बार पूछता भी रहता हूँ सर, रैंडमली मैं कॉल भी कर देता हूँ. यस सर, एग्जैक्टली, आप मैसेज करते थे कि लेक्चर सही हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, तो वो चीज बहुत है. और आप जो सर लेक्चर में जैसा आपने नाम ले लिया रैंडमली की राकेश, ऐसा हम बस ऐसा नोट्स बनाए तो एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ अभी हमारा नाम आया, तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट होता है कि हाँ यार मतलब सर के भी नोटिस में हम आ रहे हैं, तो वो चीज बहुत एनकरेजमेंट मोटिवेटिंग होती है, तो ये चीज भी थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है. और मोहन के डाउट्स बहुत ज्यादा होते थे मोहन. यस सर, यस सर, लाइक बहुत ही अच्छा लगा कन्वर्सेशन. एंड हाउ वाज योर सेलिब्रेशन मिस्टर मोहन? मीन्स योर पेरेंट्स आर हैप्पी? Ah, yes, they are very happy. Actually, main thing is that my parents will be happy. Yes, sir.
Exactly. Because they invested a lot on us. Definitely. And at the last, if we are doing something best, something good, then they are all just because of them. केवल उनकी वजह से है और उन्होंने बहुत ही सेक्रीफाइस किया है और कैसे सेक्रीफाइस किया जब हम पेरेंट्स बनेंगे ना तो हमें समझ आएगा कि कितना अभी तो बस ये अभी तो ये लगता है कि बस हाँ पैसे पैसे दे रहे हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट रात में सोने से पहले एक उसके लिए सोचना पड़ता है हाँ यार कि इसके लिए कुछ करना है बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो ज्यादा समझ पाते हैं तो मुझे लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स पे ना पेरेंट्स के अलावा जो है ना आपके लिए अच्छा कोई सोच नहीं सकता है कंप्लीटली एग्री सर आई कंप्लीटली एग्री और बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं यार ये लोग डेफिनेटली तो इसलिए जितने भी आपके सक्सेस है सारे उनको ट्रिब्यूट कर दीजिए एंड नाउ इट्स योर टर्न टू गिव बैक हां यस यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज मेंबर्स एंड योर रिलेटिव्स एज much as you can because but obviously aapke parents you are not only a professional you now you try your best to become a moral for your coming future for your near and dear one so once again yes, we wish you a tons of luck and best wishes to you and your family from entire and team once you will join then I will connect Tushar also so that we can have also conversation with Tushar yes yeah. sure sir bahut interesting hoga bahut okay so thank you so much guys good night thank you guys have a good night thank you sir thank you so much sir good night to everyone